तो हमने ES6 के फंक्शंस देख लिए थे थोड़े बहुत। अब उसमें हमने क्या क्या देख लिया था, नंबर एक चीज़ तो हमने ये देख लिया था कि फंक्शन बनते कैसे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। जो हमने जो वेदर ऐप जो बनाई थी इसमें हमने ये देख लिया था कि अच्छा जी फंक्शन बनते कैसे हैं। तो अच्छा हमने ये देखा था कि जी जब हमारे पास टाइप मॉड्यूल लगा हुआ होता है तो हमें फंक्शन को बनाना पड़ता है विंडो डॉट करके बनाना पड़ता है ताकि वो ग्लोबल होगा तो वो मिलेगा सब जगह, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम ऐसे करके नहीं बनाते हैं तो वो ग्लोबल नहीं होता है, वो फिर लोकल बन जाता है। अच्छा तो जी एक फंक्शन का कीवर्ड होता है, उसके बाद ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज हैं, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं और कर्ली ब्रेसेस जो है फंक्शन की बॉडी होता है, ठीक है। फंक्शन जिस वक्त बन रहा होता है उस वक्त फंक्शन चलता नहीं है, फंक्शन जस्ट रजिस्टर होता है उस वक्त, जब उसको कॉल किया जाता है तो जब वो चलता है। हमारे इस वेदर ऐप वाली केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑन सबमिट पे कॉल होता है ये, यानी कि जब फॉर्म जो हमारा बना हुआ है उस पर जब सबमिट का बटन क्लिक होता है, सबमिट के बटन का नाम गेट वेदर हमने रखा हुआ है, कोई भी नाम रख सकते हैं, तो जब ये फंक्शन चलता है उससे पहले ये नहीं चलता है, और जितनी बार हम उसको कॉल करते जाएंगे उतनी बार वो चलता जाता है वो फंक्शन। अच्छा जी तो ये हमने वेदर ऐप बनाई थी, उसके बाद ये हमने डेडिकेटेडली एक अलग से फाइल बना के फंक्शन के जो है वो नीटी ग्रेटी इंटरनल डिटेल वगैरह को हमने डिस्कस करना शुरू किया था। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था जी कि एक तो ये प्योरिटी तो इसको लास्ट में होना चाहिए था, ये शुरू में पता नहीं क्या कर रहा है, इसको यहाँ से कट करके मैं लास्ट में लेके जाता हूँ, ठीक है। तो पहले हमने ये पढ़ा था कि अच्छा जी ये एक सिंपल सा एक फंक्शन है और इस फंक्शन में क्या हो सकता है, पैरामीटर्स हो सकते हैं दो अदद, जो कि वेदर ऐप में जाहिर है पैरामीटर की हमें ज़रूरत नहीं थी। अच्छा तो इसमें पैरामीटर हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जितने पैरामीटर हमें चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे पैरामीटर हम इसमें डाल सकते हैं। अच्छा उसके अलावा क्या होता है, फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है होना लेकिन हो सकती है, ये भी ऑप्शनल है, जैसे कि इनपुट लेना ऑप्शनल है इसी तरह यहाँ से रिटर्न करना भी ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा अब ये इनपुट आउटपुट का चक्कर क्या है कि जब भी ये फंक्शन चलेगा, सम का फंक्शन जब भी कॉल होगा, अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर करता हूँ उसको, मैंने कहा कि जी सम और 2,5, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया इस पॉइंट पे आके, तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो क्या होगा, जब ये फंक्शन रन होगा, उससे पहले ये फंक्शन जस्ट रजिस्टर हुआ था। यार मेरा पीसी भी थोड़ा सा अजीब सा ये हैंग हो के क्यों चल रहा है। अच्छा जी तो मैं ये बता रहा था कि ये फंक्शन है हमारा, जब मैं इसको कॉल करूँगा यहाँ पर तो क्या होगा, ये 2 उठ के पहले पैरामीटर की जगह पर मुझे मिलेगा और ये 5 उठ के मुझे दूसरे पैरामीटर की जगह पर मिलेगा। अच्छा इस पॉइंट पे इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं ये फंक्शन के लोकल वेरिएबल की हैसियत रखते हैं, सही है। अब इस डिटेल पे मैं थोड़ी देर में दोबारा आऊँगा जब मेमोरी कंजम्पशन की हम बात करेंगे कि जब फंक्शन चलेगा तो ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा, उस वक्त हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये num1 और num2 करके जो हमने चीज़ बनाई है ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल की हैसियत रखते हैं, यानी कि गोया के फंक्शन के अंदर ऐसे लेट करके मैंने बनाया हुआ है num1 और ऐसे num2, ठीक है। तो इस तरह से इसकी आप इसको समझेंगे। अच्छा वेल तो हम ये बात कर रहे थे कि ये इनपुट हमने जो दो इसको दिया है 2,5, ये 2 इस वाले में आ जाएगा, 5 इस वाले में आ जाएगा। 5 अगर नहीं देंगे हम तो ये क्या होगा कि 2 इसको मिल जाएगा, 5 अनडिफाइन होगा, यानी num2 जो है वो अनडिफाइन मिलेगा num2 के अंदर। हाँ तो अगर आपने मेक श्योर करना है कि अच्छा जी दोनों पैरामीटर मुझे मिले हैं तो आपने चेक करना है कि दोनों पैरामीटर इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइन है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ मिला है, ठीक है। अच्छा जी 2,5 मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। अच्छा जब ये इतना पार्ट चलेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, फंक्शन कॉल लगेगी। अच्छा फंक्शन कॉल लगेगी बैकग्राउंड में, ये ज़रूरी है इसको समझना, मतलब ये है कि ये वाला कोड जो है हमारा सिंक्रोनसली रन होगा। ये डिटेल याद रखना, ये भूलना नहीं डिटेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। ये फंक्शन इस वक्त जो है ना ये सिंक्रोनसली चलेगा। एक होता है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होता है वो हम जब प्रोमिसज को डिस्कस करेंगे तो मज़ीद डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि कोड जो है ना जब तक ये फंक्शन पूरा चल नहीं जाएगा, कोड यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा या रुका रहेगा, इसका मतलब होता है सिंक्रोनस, ठीक है। API कॉल जब हम लगाते हैं तो वो एसिंक्रोनस होती है, उसमें कोड रुकता नहीं है, कोड आगे बढ़ जाता है और
API कॉल लग जाती है और वो वापस जब आती है तो हम अलग से कोड चलाते हैं उसका कि जी जब रिस्पॉन्स आ जाए तो क्या करना है, तो वो एसिंक्रोनस होता है। इसकी डिटेल मज़ीद हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, आज तो नहीं, शायद किसी और क्लास में, मे बी। अच्छा, तो हमने दो चीज़ें देख ली, हमने देखा कि जी पैरामीटर हम देते हैं वो यहाँ मिल जाता है, यहाँ से जो हम रिटर्न वैल्यू जो देते हैं अब वो कहाँ जाती है, वो क्या होगा जब ये सम को कॉल सिग्नेचर लगा, ये सम यहाँ कोड रुक गया, अब कोड रुक के ना इधर आया, इस पूरे को इसने चलाया और इस पूरे में मिसाल के तौर पे अभी तो मेरे पास बॉडी के अंदर एक ही लाइन का कोड लिखा हुआ है, लेकिन इमेजिन करें कि इसके अंदर 20 25 या 50 लाइन का कोड भी हो सकता था ना, तो वो सारी लाइनों को एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में रिटर्न वैल्यू पे मुझे मिसाल के तौर पे हमारे केस में भी 2.5 है, तो 2 और प्लस 5 7 यहाँ पे बनेगा, तो 7 वुड बी द रिटर्न वैल्यू। तो ठीक है, अब कोड आएगा वापस यहाँ पे, ये जो यहाँ से चला गया था ना फंक्शन के पास, वो वापस इधर आएगा और यहाँ पे इतना पार्ट पूरा का पूरा गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे रिटर्न वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हम शुरू से देखते हुए आए हैं कि रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब होता है, कि वो चीज़ खुद ख़त्म हो जाएगी और रिटर्न वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। तो ये वो रिटर्न वैल्यू ये है। भाई कहाँ थे तुम लोग सब के सब? अच्छा अच्छा वेल, तो अब क्या होगा कि जब मैं ये इस तरह से इसको चलाऊँगा ना, तो ये रिटर्न वैल्यू कहाँ चली जाएगी? जब रिटर्न वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलेगी तो वो कहाँ जाएगी? वो हवा में गुम हो जाएगी, सही है, क्योंकि उसको मैंने किसी वेरिएबल में नहीं पकड़ा। तो अगर तो मैंने वो, अगर मेरे लिए वो रिटर्न वैल्यू कोई हैसियत रखती है, अगर कोई उसका काम है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको किसी वेरिएबल में पकड़ूँगा, मैं कहूँगा ANS फॉर आंसर, मैंने कहा जी लेट आंसर इक्वल्स टू, और जो भी यहाँ से रिटर्न वैल्यू आती है वो आंसर है मेरा, सम का आंसर है मे बी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ जो 7 आएगा इसके रिटर्न वैल्यू में, अब वो मेरे आंसर के वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, ये वार्म अप कर रहा हूँ मैं, ये हम चीज़ें सारी कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से जी ये फंक्शन चलेगा। तो हमने ये फंक्शन को बनाना, एक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना ही हमने सीख लिया था इस तरह से। अच्छा, उसके बाद हमने क्या सीखा था कि जी अल्गोरिथम को हम डिस्कस कर रहे थे कि एक अल्गोरिथम जी क्या होता है ना। अब अल्गोरिथम कौन मुझे रिपीट कर देगा दो जुमलों में, कौन बताएगा कि व्हाट इज एन अल्गोरिथम? कोड जो हम लिख रहे हैं उसको अल्गोरिथम कहते हैं। अच्छा, ये डिस्कस कर चुके हैं ना अल्गोरिथम क्या होता है, तो वो डिस्कशन में हमने क्या बात की थी वो जरा कोई मुझे याद दिला दे अगर। वाईम सलाम, कोड जो लिख रहे हैं वो तो है अल्गोरिथम, बट कोडिंग से हट के अल्गोरिथम इटसेल्फ क्या चीज़ है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग प्रॉब्लम। हाँ भाई लड़कों, इतने खामोश क्यों हो भाई, कुछ तो बोलो। अच्छा, सही बताया इन्होंने, दोनों ने जो जवाब दिया वो सही दिया, कि स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो अल्गोरिथम होता है। ठीक है, लेकिन जो बात मैंने बताई थी वो ये थी कि जब कोई मैथमेटिशियन कुछ बना रहा होता है, भाई जब एक शेफ़ है, अब वो कुछ बना रहा है, अभी उसने उस डिश का नाम नहीं रखा, तो वो क्या कहेगा कि ये क्या बना रहा है वो? तो वो कहेगा कि बना रहा हूँ कुछ नया बना रहा हूँ, अभी मुझे भी नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, जो एक 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 पोजीशन होती है बाय द वे, उसको कहते हैं टेस्ट मेकर। तो टेस्ट मेकर जो होता है ना, जैसे अब जैसे टक बिस्किट है, अब टक बिस्किट का एक टेस्ट है, वो ऐसे मतलब तुक्के में नहीं आ गया, वो उसको बाकायदा डिज़ाइन किया जाता है उस टेस्ट को, कि जी अगर ये कौन सा मटेरियल कितना होगा और कितना नहीं होगा तो क्या होगा, बड़ा उसकी लंबी साइंस है। तो उस टेस्ट को डिज़ाइन किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, तो टेस्ट मेकर होता है। तो ज़ाहिर है वो एक दफ़ा में तो बना नहीं होगा, मतलब 20 25 या 50 दफ़ा उसने अलग अलग टेस्ट बनाए होंगे, उसको अलग अलग लोगों से टेस्ट कराया होगा, जो भी प्रोसीजर होता है। तो अब वो जो कुछ बना रहा है डिश, उसको भी नहीं पता वो क्या बना रहा, तो वो बोलेगा यार कुछ नया बना रहा हूँ। तो मैथमेटिशियंस के यहाँ पे उस चीज़ का एक नाम होता है, वो कहता है कि मैं एक अल्गोरिथम बना रहा हूँ। ठीक है, उसका भी किसी, जैसे हमने ये लिखा है एक अल्गोरिथम, ये अल्गोरिथम क्या करता है, एवरेज निकालने का अल्गोरिथम है ये, तो इसका नाम रख दिया गया एवरेज निकालने का, तो अभी एवरेज निकालने का फार्मूला बोलते हैं इसको। जब तक इसका नाम नहीं रखा गया था ये अल्गोरिथम था। ठीक है,
जितने भी हमारे, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स होते हैं, है ना, कि यूट्यूब के ऊपर कौन सी वीडियो को पहले दिखाना है, कौन सी को नीचे करना है, कौन सी को ऊपर करना है, उसके पीछे बकायदा एक एल्गोरिथम चल रहा होता है। तो अब इस एल्गोरिथम का क्या मतलब है कि कोई फार्मूला है उसके अंदर, कोई फार्मूला है कि अच्छा जी जिसमें इतने दिन में इतने व्यूज़ आ गए तो उसका मतलब है वो चलने वाली वीडियो, तो उसको ऊपर कर देगा वो, जिसमें ज़्यादा लोग डिसलाइक कर रहे हैं उसको वो नीचे कर देगा शायद, है ना। अभी यूट्यूब अपना ट्विटर ने अपना एल्गोरिथम पब्लिक किया है, तो उसमें आप देखें उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर कोई लाइक करेगा तो उसका 10 है गालबन बूस्ट होता है, और कमेंट करेगा तो 20 बूस्ट होता है, इस तरह को चक्कर है उसका। तो अब ये एक कोड चल रहा है पीछे ना, स्टेप बाय स्टेप, जाहिर है इसी 20-25 लाइन का या 100 लाइन का कोड होगा वो, जो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि अच्छा जी इस पर इतने लाइक आ गए इसका मतलब है इतने मज़ीद लोगों को दिखाना है। अब उस फार्मूले का कोई नाम है क्या? एवरेज निकालने का फार्मूला तो नहीं है ना वो, ठीक है। तो अब उसका कोई नाम क्योंकि नहीं रखा गया अभी तक, तो इसलिए उसको अल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। जिस दिन कोई नाम रख देंगे उस दिन वो बात बोलेंगे उसको। तो जी फंक्शन जो है ना आम तौर पे क्या होते हैं? अल्गोरिथम्स होते हैं। फंक्शन आम तौर पे क्या होते हैं? अल्गोरिथम होते हैं कि अच्छा जी एक फंक्शन चलेगा, उसको 4 नंबर मिलेंगे, और वो फंक्शन उन 4 नंबरों के साथ ना ये चीज़ करके आखिर में एक रिज़ल्ट निकाल देगा, ठीक है। तो आम तौर पे वो अल्गोरिथम्स होते हैं। तो ये हमने बात डिस्कस की थी, ये भी ज़रा वार्म अप हो गया। अच्छा जी, अच्छा सेट टाइम आउट भी हमने डिस्कस किया था कि जी सेट टाइम आउट जो है किसी भी फंक्शन को अगर मुझे डिले करवाना हो या किसी भी कोड को अगर मुझे डिले करवाना हो, वैसे तो कोड आमतौर पे क्या होता है कि पेज लोड होते ही जावास्क्रिप्ट पूरी की पूरी चल जाती है, ठीक है। फंक्शन आपने अगर बनाया हुआ है तो वो फंक्शन रजिस्टर हो जाता है, चलता नहीं है वो, रजिस्टर हो जाता है। लेकिन अगर जाहिर है उसको आपने नीचे कहीं पे कॉल भी किया हुआ होगा, तो अगर तो डायरेक्टली कॉल किया हुआ है तो वो जिस पॉइंट पे बना हुआ है वहाँ रजिस्टर होगा, नीचे डायरेक्ट कॉल होके ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही पेज लोड होगा ये सारा काम हो जाएगा। अच्छा अगर तो आपने बटन के क्लिक पे उसको कॉल किया हुआ है, तो जाहिर है वो बटन जब तक क्लिक नहीं होगा जब तक वो कॉल नहीं होगा। लेकिन अगर एक तीसरा सिनेरियो है, आप चाहते हैं कि जी मैं एक फंक्शन बना दूं और पेज लोड होने के 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद ये चले, तो उसको अब क्या करते हैं, सेट टाइम आउट लिखकर और उसके अंदर वो फंक्शन पास कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो वो क्या होता है कि वो सेट टाइम आउट को एक मिली सेकंड में मुझे ड्यूरेशन देना होता है, 3000 मिली सेकंड का मतलब है 3 सेकंड, ठीक है। तो मिली सेकंड में इसको कोई भी ड्यूरेशन दे देते हैं, उतने सेकंड बाद ही उस फंक्शन को खुद ही चला देता है, ठीक है जी। अच्छा इसी तरीके से एक सेट इंटरवेल होता है। सेट इंटरवेल और सेट टाइम आउट में डिफरेंस ये है कि सेट टाइम आउट क्या करता है, पेज लोड होने के 3 सेकंड बाद उसको चला के ख़त्म कर देगा, चल गया ख़त्म हो गया दोबारा कुछ नहीं करेगा। इंटरवेल क्या होता है कि उस फंक्शन को चलाता रहेगा वो, इसी की जगह अगर मैंने सेट टाइम आउट की जगह इसको कह दिया सेट इंटरवेल, और सेम कोड है इसके नीचे का, तो ये इसको 3 सेकंड बाद चलाएगा एक दफ़ा, पहली दफ़ा 3 सेकंड वेट करेगा चलाने के लिए, अच्छा फिर हर 3 सेकंड बाद चलाता रहेगा, रुकेगा नहीं ये, ठीक है। जो बर्थडे कैलकुलेटर में कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया गालबन, जो चलता हुआ टाइम आप लोग पूछ रहे थे ना कैसे दिखाएंगे, तो वो टाइम गेट किया सिस्टम का, उसको स्क्रीन पे दिखाया, फिर टाइम गेट किया स्क्रीन पे दिखाया। अगर मैं एक एक सेकंड के डिले पे ये काम करूं तो मुझे स्क्रीन पे टाइम चलता हुआ दिख जाएगा, है ना। तो चलता हुआ टाइम वगैरह दिखाने के लिए इस तरह के टास्क जो होते हैं ना, रिपीटेटिव टास्क जो मुझे एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद करने ही करना है, उसके लिए जो है ना ये सेट इंटरवल काफ़ी सही रहता है, ठीक है जी। अच्छा हमने प्योरिटी ऑफ फंक्शन थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जी प्योर फंक्शन क्या होते हैं। प्योर फंक्शन कोई बता दे ज़रा, आप में से खड़ा होगे, हाँ भाई बता पाएगा कोई आप में से, कुछ तो बोलो भाई इतने खामोश क्यों। जी भाई फ्रंट रो लास्ट रो, हाँ भाई इधर से बीच वाली रो, प्योर फंक्शन, व्हाट इज अ प्योर फंक्शन, हाँ वैसे तो जवाब तुमने सही दिया है, लेकिन जो मेन बात है वो नहीं की तुमने, मतलब इवेंट कॉल हो जाएगा तो वो इम्प्योर कैसे हो गया, इवेंट में पानी मिला हुआ है ये। एक्सपेक्टेड आउटपुट दे,
इन्होंने सही बात की है और आपने भी कमोबेश सही बात की है। बात यह है कि किसी भी फंक्शन को जो कि प्योरली अपने इनपुट पे डिपेंडेंट हो, कोई भी ऐसा फंक्शन जो प्योरली अपने इनपुट पे डिपेंड करता हो उसका आउटपुट, उसको हम प्योर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और प्योर फंक्शन की पहचान क्या है कि अगर मैं उसको सेम पैरामीटर दूंगा ना, चार दफ़ा पांच दफ़ा चलाऊंगा और सेम पैरामीटर दूंगा, तो वो पांचों दफ़ा सेम रिटर्न वैल्यू मुझे देगा वो, ठीक है। तो प्योर फंक्शन की पहचान ये है कि सेम पैरामीटर के साथ उसको जितनी दफ़ा भी चलाऊंगा उसका आउटपुट सेम आएगा, ठीक है। तो अच्छा, प्योर फंक्शन के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि वो प्रिडिक्टेबल होता है। प्योर फंक्शन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहला तो ये होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता फंक्शन, क्योंकि अभी तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे हैं ना, अभी ये और भी बहुत चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस कि भाई जो सॉफ्टवेयर बना है वो चलेगा भी कि कचरा हो गया। तो क्वालिटी एश्योरेंस में एक चीज़ की जाती है, उसको हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, कि आपका जो कोड होता है उसके यूनिट टेस्ट लिख दिए जाते हैं। तो उस यूनिट टेस्टिंग में अगर प्योर फंक्शन हो ना तो बड़ा अच्छा रहता है वो उनके लिए, सही है। वेल, कुछ और जगहों पे भी, अभी आप जावास्क्रिप्ट आगे पढ़ेंगे तो कुछ जगहों पे आपको ऐसा लिखा हुआ नज़र आएगा कि जी यहाँ पे ना आपको प्योर फंक्शन देना है, अगर फंक्शन आपका इम्प्योर हो गया तो मसला है। तो उस जगह के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि जी कोई भी इम्प्योरिटी उसमें नहीं आनी चाहिए, वो प्योरली अपने इनपुट्स पर डिपेंडेंट हो। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैंने दो इनपुट लिए, नम वन और कॉमा नम टू, इन दोनों को मैं प्लस करके रिटर्न करता हूँ तो ये प्योर फंक्शन है। अब जितनी दफ़ा मैं 5.2 दूंगा उतनी दफ़ा 7 आएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा ये। लेकिन इमेजिन करो अगर मैं 5.2 दूं उसको और अंदर जो है ना 5.2 को भी प्लस करूं और साथ में इस वक्त मिनट कितने हो रहे हैं वो भी प्लस कर दूं, तो अब जब तक अभी मिसाल के तौर पे क्या हो रहा है 38 है, अगर सिस्टम के टाइम से गेट मिनट करूंगा तो 38 मिलेगा मुझे, क्योंकि मेरे सिस्टम में 38 हो रहा है मिनट, अभी 38 भी प्लस कर दूं तो अब ये क्या हो गई, इम्प्योरिटी ऐड हो गई इसमें। क्यों? कि जब तक ये मिनट 38 रहेगा जब तक तो रिज़ल्ट सेम आएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही मिनट 39 होगा रिज़ल्ट आउटपुट चेंज हो जाएगा, हालांकि इनपुट मेरा चेंज नहीं हुआ, आउटपुट लेकिन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इम्प्योरिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, कोई इंटरनेट से डेटा उठा के लाता हूं मैं, अगर फंक्शन कॉल के दौरान कोई इंटरनेट से डेटा उठाता हूं, ज़ाहिर है हर दफ़ा अलग आएगा, आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा लगे लेकिन आ सकता है, ठीक है। API कॉल की जो टाइमिंग है वो हर दफ़ा अलग होगी, कभी जल्दी कॉल हो जाएगी, कभी इंटरनेट स्लो होगा तो थोड़ी देर में आएगा। डेटाबेस से कोई वैल्यू ला रहा हूँ मैं, सिस्टम की फाइलों से कोई वैल्यू गेट कर रहा हूँ, कोई क्लिक वगैरह से ताल्लुक़ है उसका, तो ये सारी चीज़ें इम्प्योरिटीज़ हैं। इनपुट के अलावा किसी भी दूसरी चीज़ पर डिपेंडेंट हो गया अगर आपका फंक्शन, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। अब इम्प्योरिटीज़ के भी लेवल हैं कि कितना इम्प्योर हो गया, अब वो लेकिन मेरे ख्याल है अभी ज़रूरी नहीं है डिस्कस करना, वो कभी वास्ता पड़ेगा तो आप खुद ही देख लेना। अच्छा, अब आगे हम देख रहे थे क्या कि मेमोरी कंजम्पशन, कि जी एक फंक्शन जब चलेगा तो वो मेमोरी कितनी कंज्यूम करेगा और फंक्शन की ये प्राइवेसी वगैरह के मामलात जो हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो जी सबसे पहली बात, हम वापस ऊपर आ जाते हैं इधर और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब ये जो बात मैं समझाने लगा हूँ ना, इसको बड़े गौर से समझना, ये अभी पहले हमने कवर नहीं किया, ये आज नया टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं। देखो मेमोरी कंजम्पशन जो है ना, वैसे तो जावास्क्रिप्ट की किसी भी क्लास में मेमोरी कंजम्पशन की बात ही नहीं करते, सही है, करनी चाहिए, नहीं करते। अच्छा, ऑन अदर एंड सी लैंग्वेज वगैरह जब पढ़ते हैं हम, या स्विफ्ट पढ़ते हैं, या जब हम ये आपका सी शार्प वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें मेमोरी कंजम्पशन डिटेल में डिस्कस होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं बुक्स जिन्होंने लिखी हैं उन्होंने ये एक ट्रेंड बना दिया है, या पता नहीं कैसे हुआ, पता नहीं अल्लाह ही जाने ये, लेकिन मेमोरी कंजम्पशन की बुक में क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी कहीं बात नहीं है, MDN पे भी कहीं बात नहीं करता वो कि मेमोरी कैसे कंज्यूम करेगा ये। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है अंडर द हुड, ये अच्छी तरह पता होना चाहिए आपको। अच्छा, तो अब कौन मुझे ये सोच के बताएगा कि जब ये फंक्शन चलेगा तो ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, मिनिमम या मैक्सिमम?
अच्छा, जब ये फंक्शन रजिस्टर होगा जब, तो ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा? जब ये फंक्शन रजिस्टर होगा तो ये 16 बाइट। वजह नहीं, जब ये रजिस्टर होगा तो ये कोई भी मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। थ्योरेटिकली ये बात थ्योरेटिकली हो रही है कि जब ये रजिस्टर होगा फंक्शन तो ये कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कोड तो चला ही नहीं है ना अभी, ये कोड अभी रन नहीं हुआ ना, ये प्रोसेसर पे कोई लोड लेगा ना ये रैम में कोई जगह लेगा, ठीक है। ये जस्ट एक टेक्स्ट के तौर पे ये रजिस्टर हो जाएगा कि जी मैं इधर हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास सिटीज़न है, फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन इज़ अ फर्स्ट क्लास सिटीज़न, ये बात लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुकी थी। फर्स्ट क्लास सिटीज़न क्या होता है? कि जिसको वेरिएबल में स्टोर किया जा सके, किसी फंक्शन में एज अ वैल्यू पास किया जा सके, किसी फंक्शन से एज अ वैल्यू रिटर्न किया जा सके, सही है। तो फंक्शन क्योंकि फर्स्ट क्लास सिटीज़न है, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं लेट करता हूँ ऐसे, लेट ए इक्वल्स टू ऐसे फंक्शन कर देता हूँ, तो अब ये वेरिएबल में जो है ना आके स्टोर हो गया फंक्शन, तो लेकिन स्टिल ये वेरिएबल में कोई जगह नहीं लेगा थ्योरी, इन थ्योरी। वैसे V8 इंजन में कुछ ना कुछ जगह हर चीज़ ही ले रही होती है, लेकिन इन थ्योरी वेरिएबल में भी ये कोई जगह नहीं लेगा। क्यों? हमने याद करें, एक एरे जब पढ़ा था हमने, तो हमने पढ़ा था कि जी दो वेरिएबल था, एक में एरे रखते थे, एक में एरे की कॉपी रखते थे, एक को चेंज करते थे दूसरा चेंज होता था। वो इसलिए होता था क्योंकि दूसरे में रेफरेंस जाता था, रैम में एरे एक ही होता था लेकिन दोनों वेरिएबल में उसका रेफरेंस होता था। तो असल में जब हम फंक्शन को किसी अगर वेरिएबल में डालते हैं तो उस फंक्शन का रेफरेंस उस वेरिएबल में जाता है, फंक्शन इटसेल्फ तो जाता नहीं है, ठीक है। तो रेफरेंस की कोई साइज़ होता नहीं है रेफरेंस का, ठीक है। रेफरेंस का वैसे कोई साइज़ नहीं होता, लेकिन V8 इंजन में, जो गूगल क्रोम का V8 इंजन है, उसमें उसका भी कुछ ना कुछ साइज़ होता है, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है फ़िलहाल। तो लेकिन इन थ्योरी इसका कोई साइज़ नहीं होता। अच्छा, तो जब तक ये फंक्शन रजिस्टर होगा ना, जब तक ये कोई जगह नहीं लेगा, कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं लेगा, कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं लेगा। अब ये प्रोसेसिंग पावर कब लेगा? जब मैं इसको करूँगा कॉल। ये मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा कि जी 2,1, ये जी फंक्शन कॉल हो गया। अब ये फंक्शन जब कॉल होगा ना, जैसे ही इसको ये देखेगा, तो फिर ये उठ के इधर आएगा और इस फंक्शन को रन नहीं करेगा, इस फंक्शन का एक इंस्टेंस बनाएगा नया और उसको रन करेगा और उसको रन करके डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बात थोड़ी मुश्किल से हजम होने वाली है, लेकिन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें फंक्शन को चलने का जो तरीका होता है वो यही होता है, ठीक है। फंक्शन जो रन होता है वो इसी तरीके से होता है। इसको बहुत गौर से समझेंगे तो ये बात समझ आएगी, वरना ये रुलाता, वो ये स्टैक ओवरफ्लो जो नाम रखा है प्लेटफॉर्म का, ये इसी इस पे रखा है, ठीक है। तो ये रुलाता है बहुत जी, नहीं मेमोरी को बचाने के लिए नहीं, इसको चलाने का तरीका यही है। अच्छा, अब वो क्यों है तरीका, वो भी समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। वो इस वजह से है। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे ही ये सम कॉल होगा ना, तो इस फंक्शन को ये नहीं चलाएगा कभी भी। ये फंक्शन है, प्लान है, एक ये ब्लू प्रिंट है। ये फंक्शन क्या है? एक प्लान है कि करना क्या है। इसको नहीं चलाएगा, इसका एक बनाएगा इंस्टेंस, यानी कि इसकी एक कॉपी बनाएगा, उसको रन करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो अब उस कॉपी में क्या क्या होगा? नम वन एक वेरिएबल होगा उस कॉपी के अंदर, क्योंकि ये नम वन, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, ये पैरामीटर जितने भी होते हैं वो लोकल वेरिएबल की हैसियत रखते हैं। तो ये नम वन, नम टू, ये दो नंबर टाइप के वेरिएबल हो गए। जब उसका ये इंस्टेंस बनेगा ना, मेमोरी के अंदर बनेगा ये इंस्टेंस, ये इंस्टेंस कहाँ बनेगा? मेमोरी के अंदर। उसका साइज़ क्या होगा? ये दो वेरिएबल जितना साइज़ होगा। अच्छा, फिर प्रोसेसिंग पावर अंदर जितनी हो रही होगी ना, वो प्रोसेसर पे वो लोड डलेगा। अच्छा, जब वो इंस्टेंस चल के कंप्लीट होगा और वैल्यू जैसे ही रिटर्न हो, जैसे ही वो देखेगा रिटर्न हो गया, तो वहाँ पे उस इंस्टेंस को वो डिस्ट्रॉय कर देगा और रिटर्न वैल्यू लाके जो है ना वहाँ दे देगा जहाँ पे ये कॉल हुआ था, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब दोस्त ने सवाल पूछा कि यार ये क्यों किया इन्होंने ऐसा, मतलब सही नहीं था कि इसी को चला देते, इसका इंस्टेंस बनाने की क्या ज़रूरत थी? इसका इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत इस वजह से थी कि अगर साइमल्टेनियसली ये फंक्शन 3 बार कॉल हो गया, ठीक है,
अच्छा पहले तो सवाल ये है कि क्या ये साइमल्टेनियस कॉल होगा तीनों, क्या ये तीन दफ़ा जो मैंने कॉल किया है क्या ये साइमल्टेनियस कॉल होगा, या ये एक चलेगा ख़त्म होगा फिर दूसरा चलेगा फिर ख़त्म होगा, ऐसे होगा? ये वन बाई वन चलेगा, ठीक है, ये साइमल्टेनियस नहीं चलेगा क्योंकि ये फंक्शन तो सिंक्रोनस है ना, जैसा कि मैंने जिक्र किया था ये फंक्शन तो सिंक्रोनस है। अब इसको साइमल्टेनियस अगर चलाना हो तो वो कैसे चलेगा? अगर इसको साइमल्टेनियस चलाना हो तो कैसे चलेगा? हाँ भाई, नहीं सेट टाइम आउट से क्यों, सेट टाइम आउट तो उसको रोक के चलाएगा। जावास्क्रिप्ट जो है ना सिंगल थ्रेडेड है, ये याद रखना। जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है? वो सिंगल थ्रेडेड है। अच्छा, सिंगल थ्रेडेड लोग, थ्रेड पता है क्या चीज़ होती है? नहीं मतलब मैं आगे बताने लगा था लेकिन मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को होना तो चाहिए वैसे पता है, लेकिन अच्छा सिंगल थ्रेड, मैं ये बात ये कह रहा था कि जावास्क्रिप्ट वैसे तो सिंगल थ्रेड होती है लेकिन लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि वो उसमें दूसरा थ्रेड बन ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। अगर एक और थ्रेड बनाना चाहें तो बन सकता है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल थ्रेडेड होती है, ठीक है। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि थ्रेड पता है किस चीज़ को कहते हैं? अब थ्रेड नहीं पता होगा तो ये आगे की कहानी भी समझ नहीं आएगी, सिंगल थ्रेडेड ही समझ नहीं आएगा। सिंगल थ्रेडेड नहीं समझ आएगा तो ये स्टैक ओवरफ्लो समझ नहीं आएगा, ये स्टैक क्या चीज़ होती है। हाँ भाई, कोई एक बंदा कोई भी आप में से खड़ा होकर बताए कि व्हाट इज़ द थ्रेड? कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोसेसर कह लो या कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थ्रेड क्या चीज़ होती है? जी दोस्त, खड़े होकर बताओ, खड़े होकर बताओ। प्रोसेस और थ्रेड एक ही चीज़ होती है आप कह रहे हो? एक चीज़ नहीं, नहीं देखो बात तो जितनी बात तुमने की उतनी बात तो तुमने सही की है, लेकिन यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि थ्रेड का क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं होता, मतलब इन द फर्स्ट प्लेस थ्रेड होता क्या है? पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम जो रन हो रहा होता है। सही है, बस जितनी तुमने बात की उतनी तो सही की है लेकिन असल जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं बात की तुमने। हाँ भाई, कोई और? जी दोस्त, वर्चुअल नहीं, सॉफ्टवेयर तो होता ही वर्चुअल है ना सारा, वर्चुअल कंपोनेंट की कौन सी बात है? सिक्योरिटी भी एक फीचर है थ्रेड का। अरे नहीं, वो दूसरा थ्रेड है जो तुम बात कर रहे हो, वो तो एंट वायरस वाला थ्रेड है, वो दूसरा है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जो थ्रेड होता है, सीपीयू को यूटिलाइज थ्रेड में ही करते हैं, सही कह रहे हो, लेकिन अभी भी वो बात किसी ने नहीं की जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो पांचवा सेमेस्टर छठा सेमेस्टर क्रॉस कर चुके हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट होता है, कितने लोग हैं वो जो पढ़ चुके हैं? बहरहाल कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो बहुत आगे की कहानी है, ये तो उसी में बताना चाहिए जो जो फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में ये बात डिस्कस होनी चाहिए वैसे तो, या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिस्कस कर लें। चलो यार, थ्रेड में समझाता हूँ पहले कि इसके बाद हम वापस टॉपिक पे आएंगे। देखो चक्कर पता है क्या होता है, कोई भी दुनिया का जो प्रोसेसर है ना वो एक वक्त में ना एक ही काम कर सकता है। सही है, एक वक्त में वो एक ही काम कर सकता है। असल में ये साइंटिस्ट जो लगे हुए थे ना, ये ऐसा प्रोसेसर या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के चक्कर में लगे हुए थे जो एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करे, लेकिन इनसे ये हो ना पाया।
तो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया था ना, यूनिक्स, ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो यूनिक्स जिन लोगों ने बनाया था वो थे बड़े बड़े नाम उस ज़माने के, वो थे गॉड फादर थे वो सॉफ्टवेयर्स के और कंप्यूटर के, और वो मतलब अब्बू जान समझे जाते हैं। रॉबर्ट लोफर भी उसमें शामिल था, और ये जो डेनिस रिची था और ये लोग सारे ये थे उसमें ना, ये यूनिक्स जब बन रही थी। तो डेनिस रिची वो बंदा है जिसने ये बनाई थी सी लैंग्वेज, और भी एक दो लोग थे, वो बड़े बड़े नाम थे। ये लोग सारे सन माइक्रोसिस्टम के अंडर में काम करते थे, और इन्होंने बड़ी फंडिंग पकड़ ली थी कि जी हम एक बना रहे हैं ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करेगा। लेकिन इनसे वो नहीं हो पाया। तो फिर जब इनके हाथ से मामला निकलने लगा ना, तो इन्होंने साइड में एक दूसरा प्रोजेक्ट भी शुरू किया उसको, उसके अलावा। उसने कहा कि यार एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हैं हम जो एक वक्त में एक काम करे, तो वो बना लेते हैं फौरी तौर पे। तो वो इन उनसे बन गया। उसका फिर उन्होंने वाइट पेपर लिख दिया, फिर उसका नाम रखा यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स, UNI, यूनी का मतलब होता है एक, तो यूनिक्स का मतलब होता है एक ही काम करेगा एक वक्त में। अच्छा, यूनिक्स जो था, क्योंकि जाहिर है भाई इतनी फंडिंग पकड़ ली थी, इतनी सारी लोगों को, बड़े बड़े इन्वेस्टर को इन्वॉल्व कर लिया था, तो वो जो प्रोडक्ट निकली ना वो पेड थी और हाईली पेड थी। जाहिर है वो बिकेगा तो माल रिकवर होगा ना, जो लग चुका है, फंडिंग आ चुकी है जो, तो वो हाईली पेड सॉफ्टवेयर था, हाईली पेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। और अभी का वाला सीन नहीं था वो, उस वक्त सीन ये था कि कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आते थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे, वो हार्ड कोडेड होते थे। अभी भी मैक मशीन जो है इसमें ये बिल्ट इन आता है। वैसे तो अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी के इंटेंशन ये है कि इसमें डाल के बिल्ट इन करके दें हार्ड कोडेड। तो जितने भी उस वक्त कंप्यूटर थे वो सारे ऐसे ही होते थे। अभी तो ये है कि जी आप मशीन ख़रीदते हैं और आपके पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो उस वक्त ये मामला नहीं थे। तो अब जैसे नोकिया का फ़ोन आप ख़रीदते हैं, तो क्या आपके पास ऑप्शन था कि 3310 में कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें? जस्ट लाइक दैट। तो कंप्यूटर ऐसे होते थे उस वक्त। तो जिन कंप्यूटरों में ये यूनिक्स इंस्टॉल होता था ना और होके आता था, वो सिस्टम बड़े महंगे होते थे। IBM वगैरह लोगों ने ये शुरू में किया था। अच्छा, फिर एक वो तहरीक चली, ओपन सोर्स तहरीक। तो उसमें बड़े गरम खाए ये जो सारे यूनिवर्सिटी के जो लोग थे ना, और ये प्रोफेसर्स वगैरह, ये बहुत गरम हो गए थे कि ये जी बहुत इतने महंगे कर दिए आपने कंप्यूटर, तो ये ह्यूमैनिटी को क्या इससे फ़ायदा होगा? तो ये तो बच्चों के हाथ में आएगा, ये कुछ करेंगे, चलाएंगे, तो ये इनोवेशन करेंगे, कुछ नई जिद्दत लाएंगे इसमें, इजादात करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जी, वाइट पेपर तो लिखा हुआ था वो यूनिक्स का, तो उन्होंने बोला कि यार सारे इसकी ना कॉपी बनाओ। वाइट पेपर है ना, पता है ना कैसे काम करता है ये, ए से लेके जेड तक लिखा होता है उसमें कि जी ये ऐसे ऐसे होता है, बिल्कुल सारी डिटेल लिखी होती है उसमें। तो उन्होंने कहा यार सारे बच्चों मिलकर ना इसकी कॉपी बनाओ। तो बहुत सारी उसकी कॉपी बनाई लोगों ने यूनिक्स की। अच्छा, तो उसमें से एक कॉपी बड़ी फेमस हुई, तो उसका नाम रखा लिनिक्स। पहले उसका नाम इनिशियली कुछ और रखा था, उस बंदे ने अपने नाम वाम पे रखा था, उसके दोस्त ने ना उसके पीछे में उस नाम को चेंज कर दिया, लिनिक्स कर दिया। तो लोग उसको लिनिक्स के नाम से फिर जानने लग गए। अच्छा, फिर वही लिनिक्स आज आपको जो है ना वो यूबंटू वगैरह की सूरत में मौजूद है। सर्वर 90% जो शेयर है सर्वर्स का वो लिनिक्स का है। ठीक है, अच्छा, यूनिक्स और लिनिक्स इंटरनली एक ही है। जो मैक कंप्यूटर जो हैं, जो मैकबुक्स हैं, वो यूनिक्स बेस है, BSD कर्नल है इसका। अच्छा, और जो ये आपके जो यूबंटू वगैरह हैं, ये लिनिक्स का कर्नल है इसका। अच्छा, जो विंडोज़ है उन्होंने अपना कर्नल खुद लिखा है, वो इन दोनों में से नहीं है, उन्होंने खुद लिखा है। उनके कर्नल का नाम है NT कर्नल, न्यू टेक्नोलॉजी करके NT रखा था, पता नहीं। तो वो NT कर्नल और वो हाइब्रिड कर्नल है। बहरहाल, अब हाइब्रिड कर्नल क्या होता है वो एक अलग स्टोरी है पूरी। तो ये BSD और लिनक्स, ये दो कर्नल हैं हमारे ना, जो मेनली अभी मेन स्ट्रीम में ये चल रहे हैं। जो उनका हाइब्रिड कर्नल है वो पर्सनल कंप्यूटिंग में ज़्यादा चल रहा है, और उसका शेयर बहुत कम है मार्केट में, यानी विंडोज़ का शेयर इतना ज़्यादा नहीं है। जो ज़्यादा सर्वर की मार्केट में, तो 90% इसका है, पर्सनल कंप्यूटर में 50-50 का रेशो है, समझ लें आप। जो अच्छा, तो ये जी लिनक्स आ गई आपके पास। अब लिनक्स भी जब आ गई ना, तो लिनक्स भी इंटरनली, यानी हार्डवेयर लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो हार्डवेयर लेवल पे जो प्रोसेसर होता है ना, वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ प्रोसेसर कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करे। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टोरी हो गई, अब ज़रा प्रोसेसर की स्टोरी करते हैं, और फिर इन दोनों स्टोरी को जोड़ते हैं और समझते हैं कि थ्रेड क्या है। जो प्रोसेसर की स्टोरी है ना,
प्रोसेसर में एक यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं ALU यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जैसे रैम हमने डिस्कस किया था ना कि जी रैम में बिट्स होती हैं और वो कैसे वो 0-1 की फॉर्म में वो डेटा सेव होता है, इस तरह प्रोसेसर की भी पूरी स्टोरी है कि ALU के अंदर एक्चुअल में दो वैल्यूज़ कैसे प्लस होती हैं। अब वो स्टोरी मेरा ख्याल है डिस्कस करने का टाइम नहीं है, लेकिन समहाउ रैम में से वो उठाता है वैल्यू को और प्रोसेसर के अंदर एक छोटी सी रैम और होती है, प्रोसेसर के अंदर भी एक छोटी सी रैम टाइप की चीज़ होती है जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं। तो वो रैम से एक वैल्यू उठाता है, इसमें सेव करता है, फिर एक और उठाता है दूसरे रजिस्टर में सेव करता है, और समहाउ उसको वो प्लस कर देता है, और प्लस करने के बाद उसको तीसरे रजिस्टर में डालता है। 16 रजिस्टर्स होते हैं आमतौर पर एक प्रोसेसर के पास, अभी तो अभी वालों का पता नहीं है मुझे, लेकिन जो बुक्स में बताया जाता है उसमें 16 रजिस्टर होते हैं। तो वो दो को प्लस करके तीसरे रजिस्टर में डालता है और वहाँ से उठा के वापस रैम की मेमोरी में डालता है। अच्छा, तो ये एक जो सम का ऑपरेशन होता है ना, प्लस जो होता है, वो कितने साइकिल में होता है? एक वैल्यू उठा के पहले रखेगा एक रजिस्टर में, एक साइकिल हो गया ये, दूसरी उठा के रखेगा दूसरे रजिस्टर में, दो साइकिल हो गया, तीसरे साइकिल में उसको प्लस करके तीसरे रजिस्टर में डालेगा, तीन साइकिल हो गया, और चौथे साइकिल में उठा के वापस उसको रैम में डालेगा। तो काइंड ऑफ मोर और लेस चार साइकिल में एक सम का ऑपरेशन होता है। अब ये साइकिल जो है इसका जो यूनिट है वो क्या है? हर्ट्ज़ है इसका यूनिट, ठीक है। अच्छा, कि मैं इन थ्योरी बात कर रहा हूँ, ये प्रोसेसर टू प्रोसेसर ये वेरी करता है ना, जो चार साइकिल मैंने बताया ना, किसी में तीन में हो जाता है, किसी में पाँच में भी होता है, ये प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करता है। ये थोड़ी लंबी डिटेल है, ये मोटी मोटी बात बता रहा हूँ मैं। तो चार साइकिल या पाँच साइकिल में ना एक सम का ऑपरेशन होता है। इसी तरीके से प्रोसेसर ना सिर्फ दो ही काम कर सकता है, या तो प्लस माइनस, मतलब प्लस ही एक ही होता है, प्लस माइनस भी करना होता है तो वो प्लस से ही करता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर सकता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड असल में एक ही चीज़ होती है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के चार ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्रोसेसर में ALU का जो यूनिट होता है उसके अंदर इन चारों के अलावा कोई चौथा पाँचवा काम नहीं होता, इन्हीं चारों कामों से सारी चीज़ें होती हैं। जितना भी आप कंप्यूटर पे वीडियो ऑडियो सब चलता हुआ देख रहे हैं ना, जो वीडियो एडिटिंग हो रही है, रेंडर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, पूरी मूवी चल रही है, जो वो सारी इन चारों काम से होती है। और ये चार भी इंटरनली दो हैं, एक प्लस है एक मल्टीप्लाई है। प्लस का ही अपोजिट माइनस होता है, तो प्लस से ही माइनस करता है वो, और मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, तो जब डिवाइड करना होता है तो मल्टीप्लाई से करता है, सही है, डिवाइड नहीं आता कंप्यूटर को, कि आप मैं भूल रहा हूँ, शायद डिवाइड करता है, पता नहीं मल्टीप्लाई नहीं आता, इस तरह का कोई चक्कर है। तो बहरहाल उसमें दो चीज़ें अल्टीमेटली जो वो कर रहा होता है ALU। तो अब ये पांच साइकिल में उसने कर दिया, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। अब हर्ट्ज जो है एक प्रोसेसर है अगर आपके पास जो 2 GHz है, तो 2 GHz का क्या मतलब है? 2 GHz दफ़ा जो है ना घूमता है ये एक सेकंड में, जो साइकिल की बात हो रही है ना, पाँच साइकिल, ये पर सेकंड में 2 GHz साइकिल ये घूम सकता है। उस प्रोसेसर में ये कैपेबिलिटी है कि 2 GHz ये घूम सके। अच्छा, अब क्या चक्कर है, 2 GHz कितने साइकिल बनते हैं? ये तो बहुत सारे हो गए। एक होता है 1 Hz, फिर 1000 Hz का होगा 1 KHz, और 1000 KHz का होगा 1 MHz, और 1000 MHz का होगा 1 GHz। तो 2 GHz अगर है तो ये कितने बने टोटल? ये तो पता नहीं, मिलियन से ज़्यादा निकल जाएंगे, एटलीस्ट 1 million Hz तो कम से कम बनेंगे ये, ठीक है। आई एम नॉट श्योर क्या कितने बनेंगे। वेल, अब देखो प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम ये है कि प्रोसेसर के अंदर ALU का जो यूनिट है ना वो एक है। आजकल के जो कुछ प्रोसेसर हैं उसमें 2-3 भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली एक ही होता है वो। अब वो एक यूनिट जो है उसको मैंने कोई प्रोग्राम दिया, अच्छा, तो अब वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने उसको दे दिया है कि जी एक ये MP4 की वीडियो है, इसको आप MP3 में कन्वर्ट कर दो, जो कुछ कन्वर्जन दे दी मैंने। अब वो वीडियो है 1 घंटे की, मतलब उसको कन्वर्ट करने में 1 घंटे का टाइम लगेगा। अब वो प्रोसेसर उसको लेके कन्वर्जन में लगा हुआ है। अब साथ साथ मैंने एक काम और भी करवाना है, मैंने करवाना है 2 प्लस 2, तो प्रोसेसर ये काम नहीं करेगा,
वो उसको जो टास्क मिला हुआ है पहले उसको कंप्लीट करेगा, वो उसको 1 घंटा वो कंप्लीट करने में लगाएगा। अच्छा, उसके बाद मेरा जो दिया हुआ ना 2+2 वो हो गया क्यू में, जब पहला वाला ख़त्म होगा तो वो दूसरे को देगा। हालांकि 2+2 इज़ अ वेरी स्मॉल टास्क, लेकिन वो पहला वाला ख़त्म होगा तो करेगा उसको, क्योंकि एक वक्त में तो एक काम करता है। अब इसका जो है ना हार्डवेयर लेवल पे कोई हल नहीं है, हार्डवेयर लेवल पे इसका कोई हल नहीं है। तो सॉफ्टवेयर लेवल पे इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाला गया ना उसको कहते हैं हम थ्रेड। सॉफ्टवेयर लेवल पे इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाला गया उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेड। अच्छा, तो दो काम हो सकते हैं इसके अंदर कि जी अच्छा जी रिसोर्स तो हार्डवेयर की जो रिसोर्स है वो तो एक ही है, अब मेरे पास टास्क जो है वो दो हैं, एक है जो कोई एक टास्क है टास्क ए और एक दूसरा टास्क है टास्क बी। अब छोटे बड़े की बात नहीं है, कोई एक टास्क ज़्यादा बड़ा हो सकता है कोई एक छोटा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, तो ये मैटर नहीं कर रहा अभी। अभी मैटर ये कर रहा है कि चार मेरे पास टास्क हैं ए बी सी और डी। अब ये चारों टास्क में उस रिसोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सही है, उसको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो अप्रोच है, नंबर एक टाइम शेयरिंग, नंबर दो रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, कुछ याद आया ये सुन के, टाइम शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग। अच्छा, नेटवर्किंग में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है, नेटवर्किंग में भी जाहिर है तार एक होती है इंटरनेट की, इंटरनेट की जो तार होती है वो तो एक होती है। अब इतने सारे जो गूगल क्रोम में टैब खुले हुए हैं, तो अब इतने सारे टैब को इक्वली वो इंटरनेट का कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो वहाँ पे भी यही अप्रोच होती है कि जी या तो टाइम शेयरिंग होगी या तो रिसोर्स शेयरिंग होगी। ठीक है, ये दो में से कोई एक होगा। टाइम शेयरिंग क्या होगी, टाइम शेयरिंग ये होगी जनाब कि जी चार टास्क है ना मेरे पास तो टास्क ए को शुरू करें, 5 सेकंड तक टास्क ए को चलाएं, उसके बाद टास्क ए को जहाँ तक हो गया था वहाँ तक रोक दे, सम हाउ रोके, अब उसको रैम में सेव करे, कुछ भी करे, कोई भी जो उसकी स्टेट थी उसको वहीं पर सेव कर ले, आगे नहीं चलाया उसको। तो 5 सेकंड टास्क ए को चलाएगा, उसके बाद 5 सेकंड टास्क बी को चलाएगा, फिर 5 सेकंड टास्क सी को चलाया। ये क्यों बंद हो गया, चलो खैर इसकी वैसे ज़रूरत भी नहीं है हमें। फिर 5-5 सेकंड करके ना चार टास्क हो गया, उसको चारों को चलाया, तो ये हो गया टाइम शेयरिंग। अच्छा, अब रिसोर्स शेयरिंग क्या होगा, रिसोर्स शेयरिंग ये होगा कि जी अगर मेरे पास ना 2 GHz का प्रोसेसर है, 2 GHz का प्रोसेसर मेरे पास ये है, तो मेरे पास 5 टास्क हैं, तो 2 को ज़रा डिवाइड करो, 2 GHz को 5 से डिवाइड करो, कितना बना, चलो टू मेक इट सिंपल मेरे पास 2 टास्क हैं, तो 2 टास्क हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टास्क ए को जो है मैं कितना रिसोर्स दूंगा, 1 GHz, और टास्क बी को मैं दूंगा 1 GHz, इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, रिसोर्स शेयरिंग भी असल में टाइम शेयरिंग है प्रोसेसर के केस में, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि 1 GHz का मतलब है आधा सेकंड, मुझे ये एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि मुझे स्पीड पता है प्रोसेसर की, 1 GHz का मतलब है आधा सेकंड, तो आधा सेकंड एक चलेगा आधा सेकंड दूसरा चलेगा। तो दो तरह की शेयरिंग है, या तो टाइम शेयरिंग होगी या तो रिसोर्स शेयरिंग होगी। ठीक है, अच्छा रिसोर्स शेयरिंग अगर होगी तो वो अगर और ज़्यादा टास्क आ गया तो वो रिसोर्स ज़ाहिर है टाइम कम होता चला जाएगा एक एक का। ठीक है, टाइम शेयरिंग में भी इसी तरह होगा, अगर ज़्यादा टास्क आ गया तो टाइम अलग अलग हो, लेकिन प्रोसेसर टू प्रोसेसर जब वेरी करेगा ना ये, तो रिसोर्स शेयरिंग और टाइम शेयरिंग दोनों बिल्कुल अलग अलग, जैसे सुनने में एक ही लग रहा है पहले नज़र में ना, लगता है ये तो सेम है बिल्कुल, लेकिन आप इमेजिन करें कि वो 2 GB की जगह ना 1 GB का प्रोसेसर आ गया, तो वही 5 टास्क हैं, अब उसमें कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, तो वो प्रोसेसर टू प्रोसेसर और पीसी टू पीसी वो वेरी करता है बाहर। अच्छा, इतनी बात ये समझ आ गई कि 5 टास्क होंगे मेरे पास और 5 टास्क में, अच्छा ये काम कौन डिसाइड करता है कि ये कौन सी शेयरिंग करनी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब कोई एक प्रोसेस, अच्छा एक सॉफ्टवेयर एक प्रोसेस है, इसको ये समझें आप, एक प्रोसेस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। अभी हम अभी थ्रेड तक पहुँचे नहीं है, अभी थ्रेड इसके बाद अगला स्टेप है। अब क्या होता है जी के अब ना मुझे थ्रेड की अगर कोई पिक्चर मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा समझाने में। थ्रेड प्रोसेसिंग लिखूँ ना मैं ज़रा,
यार कोई बेहतर पिक्चर मिल नहीं रही इसकी मुझे। बहरहाल यार कोई ढंग की पिक्चर मिल नहीं रही। बहरहाल छोड़ो। अच्छा जी, तो अब यहाँ तक बात समझ आ गई कि मेरे पास पांच प्रोसेस हैं या चार प्रोसेस हैं। प्रोसेसर है एक। अच्छा, आजकल के जो जदीद प्रोसेसर है ना, उसके अंदर जैसे आप सुनते हैं कि जी डुअल कोर है या क्वाड कोर है। अब ये क्वाड कोर का क्या चक्कर है? ये क्वाड कोर का चक्कर ये है कि उसमें जो ALU का जो यूनिट है ना, अगर वो दो है तो उसका मतलब है दो कोर हैं भाई। इन्होंने चालाकी की ना, इन्होंने बोला एक काम करते हैं, फिज़िकल प्रोसेसर एक रहेगा, यानी फिज़िकली अगर हाथ में उठाएंगे तो एक ही प्रोसेसर है, लेकिन अंदर उसके जो ALU का यूनिट है ना, वो दो तीन चार पाँच बनाते हैं, जो क्या मसला है। तो जितने ALU के यूनिट ज़्यादा होंगे उसके अंदर, ये बोलते हैं कि जी उतने कोर हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल कोर कहते हैं। अच्छा, हालांकि वो कोर है नहीं पूरा, जब ही देखो नाम के साथ लॉजिकल लगाया हुआ है उसको कि जी लॉजिकल कोर है ये, और लॉजिक वो ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो वो कहते हैं कि जी लॉजिक ALU का जो है ना इसके, वो 10 हैं इसमें या 8 हैं, तो वो बोलते हैं जी ऑक्टा कोर है ये। तो ये वाला चक्कर है। अच्छा, तो अभी के जो जदीद कंप्यूटर्स हैं जितने भी, उसमें जो ALU का यूनिट है ना, वो एक नहीं है, वो एक से ज़्यादा है। वो 4 है, 5 है, 16 है, 18 है, 20 है, 50 भी है, ठीक है। जो बड़े वाले कंप्यूटर हैं प्रो लेवल के, 50-50 भी हैं उसमें। अब क्या होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बात पता है, नए वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसको वो मल्टी कोर संभालना नहीं आता, तो वो एक को इस्तेमाल करेगा, बाकियों को इस्तेमाल ही नहीं करेगा वो। यही वजह है कि जब ये मल्टी कोर प्रोसेसर आए थे ना शुरू शुरू में, तो उसका ड्राइवर करना पड़ता था बकायदा। अगर पता नहीं वो टाइम आप लोगों ने किसी ने देखा है कि वो प्रोसेसर का ड्राइवर होता था बकायदा, जब वो प्रोसेसर सही तरह से वो परफॉर्म करता था। अच्छा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बात पता होती है कि जी अच्छा जो प्रोसेसर है ना, उसको वो डिटेक्ट कर लेता है कि कितने कोर वाला है, और डिपेंडिंग ऑन दैट अगर मेरे पास 5 प्रोसेसर हैं और 8 कोर है, तो वो 8 कोर को चलाता है। अच्छा, अब इस कोर के अंदर भी ना एक मंजन है। कोर के अंदर मंजन ये है कि जो ALU होता है ना, असल में तो स्पीड होती है ALU की, जो 2 GHz है वो तो ALU की स्पीड है। तो ये क्या करते हैं, 8 कोर बनाए ना, तो 4 बनाते हैं थोड़े छोटे ALU और 4 बनाते हैं थोड़े बड़े। मिसाल के तौर पे 4 बनाएंगे 1-1 GHz के, और बाकी के जो 4 बनाएंगे ना, वो बनाएंगे 3-3, 4-4 GHz के एक एक। अच्छा, तो अब जो लो प्रोसेसिंग है ना, मतलब वो तो टास्क को देख के समझ जाता है कि कितना टाइम लगेगा इसमें, उसको मेजर कर लेता है, तो वो उसको इस्तेमाल करेगा 4 छोटे वालों को। तो वो ज़ाहिर है जब छोटे लॉजिक यूनिट होंगे तो वो प्रोसेसिंग पावर कम लेते हैं, क्योंकि प्रोसेसर का सीन ये है भाई कि वो तो घूमना उसका काम है, वो तो घूमता रहेगा, जैसे ही उसको एक्टिवेट करेंगे वो घूमना शुरू हो जाएगा, उसको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेस है कि नहीं है भाई। गन्ने की मशीन आप समझ लो या जो भी समझ लो, जो सीमेंट की मशीन समझ लो आप, अब वो सीमेंट की मशीन घूम रही है, उसको थोड़ी पता है अंदर सीमेंट है कि नहीं है, सही है। तो काइंड ऑफ ये चक्कर है उसका। तो वो जो छोटे वाले जो 4 है ना, उसको वो इस्तेमाल करता है पहले। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज़ें सारी पता होती हैं, उसमें बाकायदा इन चीज़ों को कर्नल में लिखा जाता है, जब उसको ये बात पता चलती है। बारह, तो ये हमने देख लिया कि अच्छा जी वो कोर ना, वो जो मैं कह रहा था कि एक प्रोसेसर एक वक्त में एक ही काम करता है, आजकल के जो क्योंकि लॉजिकल कोर ही उसमें ज़्यादा है, तो वो 4 काम एक साथ करेगा, लेकिन वो 4 करेगा, वो 5वां नहीं करेगा एक साथ। तो वो स्टिल प्रॉब्लम वही है कि जी अगर प्रोग्राम 4 से भी ज़्यादा चल रहे हो, तो फिर कहानी वहीं आ जाती है कि अच्छा जी फिर टाइम शेयरिंग होगी या तो रिसोर्स शेयरिंग होगी। अच्छा, अब चक्कर एक और क्या है, अब यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके आगे हम अब बढ़ते हैं कि जी एक प्रोग्राम है और उसके अंदर ना मुझे
उसको शो कराना है दो अलग अलग प्रोसेस के तौर पर। एक प्रोसेस को मैंने चलाना है बड़े वाले लॉजिकल कोर पे, जो हाई पावर लॉजिकल कोर है, जो लो पावर वाले पे नहीं, एक को मैंने चलाना है हाई पावर वाले पे और दूसरे को मैंने चलाना है लो पावर वाले पे, ठीक है। या सम हाउ वो तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है किसको किस पे चलाना है, लेकिन अगर मुझे एक प्रोसेस को, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जो चल रहा है वो एक प्रोसेस है, इसको अगर मैंने शो कराना है ऑपरेटिंग सिस्टम को और प्रोसेसर को कि जी ये दो अलग अलग काम है, इनको दो अलग अलग तरीके से आप ट्रीट करो, तो उसको हम कहते हैं थ्रेड। उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेड। अच्छा, ये थ्रेड कौन सा वाला थ्रेड है? क्या धागे वाला थ्रेड है? ये थ्रेड अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं? थ्रेड अंग्रेजी में एक और चीज़ को भी कहते हैं, जो नट बोल्ट के जो पेच होते हैं ना, उसको भी थ्रेड कहते हैं। लिख लेते हैं ना थ्रेड डेफिनेशन, पता नहीं। थ्रेड डेफिनेशन लिखते हैं ना, स्क्रीन नहीं शेयर हुई भी, कर देता हूँ, पता नहीं ये क्या हो गया। स्क्रीन मेरे पास भी शेयर, स्क्रीन शो ही नहीं हो रही मेरे पास। जाओ और बोलो। अच्छा, खैर तुम लोगों को तो नहीं दिख रहा, मैं देख अपने पास पढ़ लेता हूँ। इसमें स्पेलिंग चेंज है, इसकी सेम है ना स्पेलिंग। अच्छा, ये दोनों डेफिनेशन आ रही है यहाँ पे। अ लॉन्ग थिन कॉटन नायलोन और अदर फैब्रिक इज़ यूज्ड टू स्विंग और वेविंग और पास अ थ्रेड थ्रू द आई इन द नीडल थ्रू द नीडल गाइड ऑफ द स्विंग। प्लक हेयर, अबे इसमें तो वो वाला इसने दिया ही नहीं डेफिनेशन। बहरहाल, तो ये थ्रेड और जो है ना, ये धागे वाला थ्रेड और ये दोनों जो नट बोल्ट वाला थ्रेड है, वो उन दोनों को भी थ्रेड क्यों कहते हैं? ये इसने यहाँ पे जिक्र किया है कि समथिंग कंटिन्यूस और ड्रॉन आउट, अ लाइन ऑफ रीजनिंग और ट्रेन ऑफ थॉट दैट कनेक्ट्स द पार्ट इन अ सीक्वेंस एज द आइडिया और इवेंट द लॉस्ट थ्रेड ऑफ अ स्टोरी। तो ये धागे को और वो जो पेज को, वो दोनों को भी थ्रेड इस वजह से कहते हैं क्योंकि अंग्रेजी में थ्रेड का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि कोई चीज़ कंटिन्यूस जब होती है ना तो उसको वो थ्रेड कहते हैं। तो वो जो नट बोल्ट के पेज होते हैं वो एक घूमे हुए नीचे से लेके ऊपर तक ना एक ही होता है, वो जो घूम के ऐसे जा रहा होता है। ये अगर आप धागे की जो रील देखेंगे ना तो वो ऐसा तो लगता है इतना सारा धागा है, लेकिन असल में वो पूरा का पूरा धागा एक होता है। असल में वो पूरा धागा क्या होता है? एक होता है। तो वो काइंड ऑफ डेफिनेशन वो वहाँ से उन्होंने बात ली है थ्रेड। मिसाल के तौर पे सर के बाल हैं, देखने में तो ये भी बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन क्या ये सारे एक हैं? नहीं, इन सब की जड़ें अलग अलग हैं और ये सब इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये एक नहीं है। जैसे इस कपड़े के अंदर भी बहुत सारे आपको धागे दिख रहे हैं, क्या ये सारे एक धागे हैं? नहीं, ये एक धागा जो यहाँ से शुरू है वो नीचे ख़त्म हो जाता है, इसके पड़ोस में जो धागा चल रहा है वो अलग है, लेकिन धागे की रील में जितना भी धागा दिख रहा है वो सब एक है, वो शुरू से आखिर तक एक ही चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। तो समहाउ इन्होंने ना वो बात उठाई है, धागा व धागा नहीं उठाया इन्होंने, वो सीक्वेंस उठाया उसका। तो जो थ्रेड होता है, थ्रेड, ये बात याद रखें आप हमेशा कि थ्रेड जो है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। थ्रेड जो है वो क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। अब जो थ्रेड का चक्कर है ना भाई मेरे, कोई भी जब सॉफ्टवेयर जब रन होता है, या कोई भी जावास्क्रिप्ट का मैं प्रोग्राम लिखता हूँ या मैं पाइथन का प्रोग्राम लिखता हूँ, जो मल्टी थ्रेडेड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सी शार्प मल्टी थ्रेडेड है, ठीक है, पीएचपी मल्टी थ्रेडेड है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर एक ही थ्रेड बनती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में भी ऐसी ही, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही थ्रेड बनती है। तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है जब वो प्रोसेसर के पास जाएगा तो उस एक थ्रेड के तौर पर शो होगा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? अच्छा, तो जैसा कि दोस्त ने जिक्र किया था किसी ने यहाँ पे कि एक प्रोसेस एक थ्रेड है, तो जो मैं अपनी पुरानी वाली बात से कनेक्ट करूँगा कि जब मैंने ये जिक्र किया था ना कि चार या पांच मेरे पास प्रोसेस हैं और एक प्रोसेसर है,
तो ये पांचों प्रोसेस क्या है, ये पांच थ्रेड हैं। अच्छा, लेकिन अब मैंने अगली जो बात की है वो मैंने क्या बात की है कि कोई एक प्रोसेस अपने आप को एज अ दो अलग अलग प्रोसेस शो करा सकता है, तो ये दो थ्रेड हो जाएगा, फिर प्रोसेस एक ही होगा, थ्रेड दो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो प्रोसेसर को ये मिलेगा ना, ये एज अ थ्रेड ही मिलता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बात पता होती है कि कौन से प्रोसेस की ये ब्रांच निकली है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है बात, प्रोसेसर को थ्रेड ही मिलता है और वो थ्रेड को वो करता है। अच्छा, उन अब जैसे पांच थ्रेड है या दस थ्रेड है या पचास थ्रेड है, अब हो सकता है वो पचासों के पचासों थ्रेड ना एक ही सॉफ्टवेयर के हों पीछे, एक ही प्रोसेस के वो पचास अलग अलग थ्रेड हो, उसका जो PID है ना वो एक ही हो पीछे। तो अब उन थ्रेड्स के ऊपर जो है वो टाइम शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग होती है, प्रोसेसर को थ्रेड मिलता है। अच्छा, अब वो थ्रेड आप उसको इमेजिन करें, यहाँ पे वो मुझे पिक्चर नहीं मिली कोई, होपफुली मैं एक मैंने वो डाउनलोड किया था, क्या उसका नाम था सॉफ्टवेयर का, बोर्ड हाँ, फिग्मा बोर्ड, इस पे मैं ज़रा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि वो किस तरह का दिख रहा होता है थ्रेड। अबे क्यों लॉगिन भाई, नेट नहीं चलेगा तो ये मुझे लॉगिन करने बोलेगा। अबे यार ये ले, अभी ये अब प्रोजेक्टर भी नहीं चल रहा, ये क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गई है। खैर यार, जब मैं ड्रॉ करूँगा तुम्हें दिखेगा ही नहीं, यहाँ तो ड्रॉ करने का फ़ायदा नहीं है। तो थ्रेड वो समझो ऐसे ऊपर से ना बारी ऐसे ही लड़ियाँ लटकी हुई हैं, और प्रोसेसर नीचे ना ऐसे एक पे आता है, एक को खाता है, फिर दूसरे को खाता है, फिर तीसरे को खाता है, ऐसे वो बैक एंड फोर्थ ना वो शिफ्ट हो रहा होता है एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर। अच्छा, आपको लगता है कि जी कैनवा और ये ना ये VS कोड और ये गूगल क्रोम और ये सारे तो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा होता। वो क्या हो रहा है, ऐसे बारिश की तरह ऊपर से वो गिर रहे होते हैं, वो गेम खेले ना वो ऐसे जो मतलब जल्दी जल्दी कौन सा होता है गेम यार, वो एक बॉल होता है बाउंसी बॉल, नीचे ब्रिज होती है, वो बाउंसी बॉल में तीन चार बॉल होती है और वो एक बॉल ऊपर जाती है, टकरा के ऊपर वापस आती है, तो आपको ब्रिज को ना बैक एंड फोर्थ फॉर ही राइट लेफ्ट करना होता है, तो तभी अदरवाइज वो बॉल नीचे गिर जाती है। तो प्रोसेसर भी क्या होता है, बैक एंड फोर्थ जो है ना वो शिफ्ट हो रहा होता है डिफरेंट थ्रेड्स के ऊपर, और तमाम की तमाम थ्रेड को वो इक्वली एकोमोडेट कर रहा होता है, किसकी इंस्ट्रक्शन पे, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये बात डिसाइड करता है कि ये प्रोसेसर ना कौन से थ्रेड को कितना टाइम देगा या कौन से थ्रेड को कितनी रिसोर्स देगा। तो ये थ्रेड वाली बात समझ आ गई सब लोगों को, थोड़ी लंबी करनी पड़ी भाई, वरना ये समझ में नहीं आनी की थी, ठीक है। ये जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने पढ़ा है उनको चाहिए था ये आपको समझाते, लेकिन उन्होंने नहीं समझाया, तो थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाना पड़ा यहाँ पे। अच्छा, अब चूंकि आपको समझ में आ गया है थ्रेड, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जावास्क्रिप्ट जो ये ना सिंगल थ्रेडेड का क्या बन जाना, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जब ये चले, अच्छा सिंगल जब थ्रेड होता है ना, ये एक चीज़ और डिटेल रह गई, अगर मिसाल के तौर पे सिंगल थ्रेड है, तो सिंगल थ्रेड में क्या होगा कि जब कोई फंक्शन चलेगा तो बाकी का पूरा प्रोग्राम फ्रीज हो जाएगा जब तक वो फंक्शन पूरा नहीं हो जाता, और यही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। वो फंक्शन चल के जब वापस आएगा तो फिर दूसरा चलेगा। वेल, तो ये जो फंक्शन तीन मेरे पास चले हैं, ये तीनों फंक्शन क्या हैं, हाँ ये 1/1 चले हैं तीनों फंक्शन, मैं ओरिजिनली क्या बात कर रहा था मैं वो भूल गया, थ्रेड के चक्कर में ना मैं वो भूल गया, क्या बात कर रहा था यार मैं, हाँ ये जो तीनों फंक्शन है ये साइमल्टेनियसली अगर चलेंगे तो क्या होगा। अच्छा, बात ये हो रही थी कि ये फंक्शन वो इंस्टेंस बना के क्यों चलेगा अलग से, ये इसी को चला देता तो क्या मसला था, इसी को चला देता तो ये मसला था कि समहाउ अगर ये तीनों फंक्शन साइमल्टेनियसली चलते हैं, मतलब एक ही साथ चलते हैं, अगर एक ही वक्त में तीनों चल जाते हैं अगर, तो क्या होगा, तो ये होगा कि इस फंक्शन के ना तीन अलग अलग इंस्टेंसेस बनेंगे और तीन अलग अलग इंस्टेंसेस उसके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है।
अच्छा इमेजिन करो कि अगर अलग इंस्टेंस नहीं बनता तो क्या होता, ये कॉल हुआ पहला वाला जो फंक्शन था, अरे ये तो दिख रहा ही नहीं है यार, क्या सीन है यार ये, अभी तो मैंने अच्छा भाई तो होगा क्या भाई कि ये पहली फंक्शन, पहली दफ़ा ये कॉल हुआ फंक्शन, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इसके अंदर चला गया क्या टू चला गया मिसाल के तौर पे। अच्छा अगले वाले का मैं ये वैल्यू चेंज कर देता हूँ थोड़ी, सही है अगले वालों की मैंने वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज कर दी है। अच्छा तो पहले वाले नम वन में चला गया टू और नम टू में चला गया ये ज़ीरो, ये दोनों वेरिएबल फिल हो गए। अच्छा अब इमेजिन करो कि ये सेकंड वाला ना साइमल्टेनियसली चल गया, साथ साथ ही चल गया, तो क्या इन वेरिएबल्स की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, फिर क्या होगा, मतलब क्या होना चाहिए। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ना, तो फॉर दिस वेरी रीज़न वो क्या करता है, कभी भी इस वाले को रन नहीं करेगा वो, मतलब समझाने की बात है कि कभी भी इस वाले को रन नहीं करेगा वो, असल में एक इंस्टेंस बनाता है इसका, एक अलहदा इंस्टेंस बनाता है और उसको वो फिर रन करता है, ठीक है। अच्छा और फिर जैसे ही दूसरा मैं कॉल करूँगा, अब वो साइमल्टेनियस होगा या नहीं वो अभी हम वेरीफाई करेंगे, वो हम चेक करेंगे, और अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। वैसे तो सिंगल थ्रेड है, सिंगल थ्रेड में एक साथ चलना चाहिए सबको, मतलब एक ख़त्म होगा तो दूसरे की बारी आएगी, दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरे की बारी आएगी, ठीक है, लेकिन समहाउ वो साइमल्टेनियस चलता है, कैसे चलता है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा तो अब ये इमेजिन करो कि अगर साइमल्टेनियस ये ना 3000 दफ़ा कॉल हो गया, अगर साइमल्टेनियस ये 3000 दफ़ा कॉल हो गया तो इस वाले फंक्शन का 3000 अलग अलग इंस्टेंस बनेंगे, तीनों के तीनों 3000 इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होंगे और 3000 की जो रिटर्न वैल्यू है ना वो जहाँ जहाँ से कॉल हुएंगे वहाँ वहाँ पहुँच जाएगी। अच्छा अब ज़रा मुझे सोच के बताओ कि ये फंक्शन जो है मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, जब रजिस्टर हुआ था अब तो कोई जगह नहीं ले रहा था, चलने पे लेगा ऑब्वियसली। अच्छा तो चलने पे इसका एक इंस्टेंस मेमोरी में उतनी जगह लेगा जितने इसके अंदर वेरिएबल बनेगा, ठीक है, दो तो वेरिएबल ये इनपुट के हो गए, अंदर अगर कोई है, अगर कोई है अंदर वेरिएबल तो वो भी जगह लेगा। तो मिसाल के तौर पे अगर ये एक फंक्शन कॉल, एक इंस्टेंस इसका अगर मेमोरी में 10 बाइट की जगह लेता है तो 3000 दफ़ा जब कॉल होगा तो कितनी जगह लेगा, 3000 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 30,000 बाइट्स लेगा मेमोरी के अंदर, 30,000 बाइट्स लेगा, ठीक है, ये बात समझ आई। अच्छा अब ये समझ लो कि भाई 3000 दफ़ा 30,000 बाइट्स मिल गए, अगर मेरे कंप्यूटर में मैंने उसको इतनी दफ़ा कॉल कर दिया कि मेरे कंप्यूटर में उतनी रैम है ही नहीं, रैम चाहिए ना ज़ाहिर है, 30,000 बाइट जो मांग रहा है वो तो उतनी रैम होनी चाहिए, जब ही तो मिलेगी उसको, अगर इतनी दफ़ा कॉल कर दिया जितनी जगह है ही नहीं कंप्यूटर में तो वो क्या बोलता है, बोलता है वो स्टैक ओवरफ्लो और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, ठीक है। अच्छा स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक किस चीज़ को कहते हैं, कौन ये बताएगा स्टैक किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, हाँ भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, स्टैक होता है, क्यू होता है, एरे होता है, डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाया ही होगा यार। जी दोस्त, हाँ लीफो, तो स्टैक में आसान उर्दू में बताओ स्टैक में क्या होता है, बताया तो तुमने सही है लेकिन ज़रा आसान उर्दू में ही बताओ। सही कह रहा है, सही कह रहे हो, इतने अनकॉन्फिडेंट क्यों हो, सही तो बता रहे हो।
तो इन्होंने दोस्त ने बताया जी स्टैक जो होता है ना वो क्या होता है कि जैसे आप रखते हैं वैसे ही आप उसको उठाते हैं, सही है। क्यू ऑन अदर एंड क्या होता है कि आप एक तरफ से रखते जाते हैं और दूसरी तरफ से वो जाता जाता है, ठीक है। स्टैक में ये होता है कि जिधर रखते हैं उधर ही से उठाते हैं। जैसे प्लेट की एग्जांपल दी जाती है आमतौर पर इसकी कि जी अगर मैंने टेबल के ऊपर 10 प्लेटें रखी हैं, मतलब एक एक करके 10 प्लेट रखी है मैंने, तो मैं जिस सीक्वेंस से मैं रख रहा हूँ ना उसी सीक्वेंस से मैं उसको उठाऊँगा, ठीक है। तो 30,000 दफ़ा जब ये कॉल होता है ना तो ये स्टैक की फॉर्म में कॉल होता है, सही है। और जब वो जो ज़ाहिर है मेमोरी में वो स्टैक बिल्डअप हो रहा होता है, तो मेमोरी में जब अगर वो इतनी दफ़ा मैंने उसको कॉल कर दिया ना कि जितनी मेमोरी, मिसाल के तौर पे मेरे पास 30,000 बाइट था ही नहीं रैम में, मेरा रैम था 20,000 बाइट का रैम था समहाउ, तो जैसे ही वो 20,000 से आगे निकलेगा ना वो बोलेगा स्टैक ओवरफ्लो, एक एरर आता है बाकायदा, स्टैक ओवरफ्लो एक एरर होता है, जैसे वो अनकॉच एरर आ रहा होता है ना, या वो बोलता है नॉट डिफाइन, अक्सर वो एरर देखा होगा आपने, तो इस तरह एक स्टैक ओवरफ्लो का एक एरर आता है, ठीक है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो करवा के देखते हैं। अच्छा, मेरे सिस्टम में इस वक्त रैम मौजूद है 8 GB, तो अरे ये क्या कर दिया मैंने, सब चीज़ों को ना अभी होना है। अच्छा, तो हम ना ये सारा का सारा कोड कर देते हैं कमेंट डाउन, अब मुझे इस फंक्शन को देख के बताओ ज़रा कि ये वाले फंक्शन को अगर मैं कितनी दफ़ा कॉल करूँगा तो ये मेरी 8 GB की मेमोरी जो है वो ओवरफ्लो कर जाएगी। पहले तो 8 GB ऑलरेडी 60% ऑक्यूपाइड है, तो देखते हैं चला के कितनी दफ़ा होता है। तो मैं क्या करूँगा इसको ना, इस पार्ट को, इसको मैं ऐसे कॉल नहीं करूँगा, इसको मैं एक डाल दूँगा फॉर लूप में, ठीक है, और फॉर लूप के अंदर इसको मैं कॉल करूँगा सम को, और मैं हर दफ़ा इसको .4, .2 दे देता हूँ वैल्यू ना, सेम वैल्यू दे देता हूँ हर दफ़ा। अच्छा, इस फॉर लूप में जो तीनों पैरामीटर्स हैं उसके वो ऑप्शनल हैं, तो मैं तीनों पैरामीटर को खाली छोड़ूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इनफाइनाइट तो करना है मुझे, लेकिन साथ में देखना भी है कि किस पॉइंट पे जाके वो मेमोरी मेरी ओवरफ्लो होती है। तो इसमें मैं ज़रा लेट आई लगा देता हूँ एक, ठीक है, और यहाँ पे मैं आई को प्लस प्लस करा देता हूँ, और इस फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करवा देता हूँ ताकि मुझे पता तो चले कि वो किस पॉइंट पे जाके जो है ना वो उसकी हालत टाइट हो जाती है, ठीक है जी। मैंने एक फॉर का लूप चला दिया जो कि इनफाइनाइट है, हर दफ़ा मैं एक नंबर प्रिंट करवाता हूँ इसमें और फंक्शन को कॉल भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब आ जाओ, इसको रन कैसे करेंगे हम, कॉपी पाथ, और इधर हमने कर दिया इसको पेस्ट, पेस्ट करने से पहले इसका वो खोल लेते हैं कॉन्सोल। ठीक है जी, साथ साथ ये हमारी रैम है ये वाली, इस पर भी ज़रा नज़र रखते हुए, और इस पर हम आके ना एंटर प्रेस कर देते हैं। NAN क्यों आ रही है, NAN क्यों आ रहा है इसमें, किस खुशी में भाई। नहीं, सम तो सही है, यहाँ पे काउंट में ये NAN क्यों दे रहा है, कॉन्सोल डॉट लॉग सही तो लिखा है, सब कुछ सही है। यस यस, आई इक्वल्स टू 0 भी तो लिखना था, खैर अच्छा, मेरा सिस्टम इसने पूरा फ्रीज़ कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि वो कंटिन्यूसली उसको थ्रेड मिल रहे हैं ना सारे, तो वो टाइम शेयरिंग करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो इस वजह से ज़ाहिर है रिसोर्स सारा ऑक्यूपाई हो गया।
अगर आप मेरे सीपीयू की तरफ नज़र डालें ना, तो ये जो ये वाला पार्ट है ये हाई पावर वाला है, सही है ना, ज़्यादा पावर वाला। और ये वाला जो 4 कोर हैं ये वाले लो पावर वाले कोर हैं, तो उसके लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इस वजह से ये ठीक है। लेकिन आप नोट करें कि गूगल क्रोम को इसने बिल्कुल बंद नहीं किया, थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड करने लग गया था, बट जहाँ मैंने क्लिक किया था ना 4 सेकंड 5 सेकंड बाद उधर क्लिक हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सारे थ्रेड्स आ रहे थे तो उसमें एक थ्रेड को इतना ज़्यादा आ रहा था कि उसको ज़्यादा टाइम दे रहा था। ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी होती है कि किस थ्रेड को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, किसको कम दे रहे हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोला कि जी ये काम बहुत बड़ा सारा है, तो उसको थोड़ा पहले देख लो, इसको थोड़ा 5 सेकंड डिले कर दो। ये वाला सारा मंजन इधर हो रहा था। अच्छा, ये मैंने इसको एंटर किया और जी हमारा ये 22,000 और ये 23,000 और ये 37,000 तक ये चला गया, ठीक है। और स्टैक ओवरफ्लो वाला एरर मेरे पास नहीं आया। क्या ये कभी भी आएगा एरर? कभी भी नहीं आएगा। क्यों आएगा कभी भी? ये जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड है ना, वो एरर भी ला के देखेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल तो वो एरर नहीं आया। ये एक इतनी देर तक चल गया, होना होता तो हो जाता। तो इसमें ये कभी भी स्टैक ओवरफ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो जो फॉर लूप के अंदर भी जो कॉल लगी है दैट इज़ नॉट अ साइमल्टेनियस कॉल, वो साइमल्टेनियस कॉल नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम साइमल्टेनियस कॉल की एक प्रैक्टिस करते हैं, फिर स्टैक ओवरफ्लो आएगा कभी ना कभी पॉइंट पर, ठीक है। अभी मैंने क्रॉस के बटन पर क्लिक कर दिया और आई एम स्टिल वेटिंग कि ये क्रॉस का बटन क्लिक हो गया, ठीक है। तो 5 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड बाद उसने ज़ाहिर रिसोर्स शेयरिंग में कभी ना कभी गूगल क्रोम का भी नंबर आया, तो वो क्लिक काम कर गया। अच्छा, अगर मैं ये करूँ, फॉर लूप को हटा दूँगा। अच्छा, आपको याद होगा जब मैं फॉर लूप पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने एक बात की थी कि फॉर लूप इज़ अ कंस्ट्रक्ट, ठीक है। फॉर लूप आपकी आसानी के लिए बनाया गया है, फॉर लूप एक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। अगर मैं ये करूं, टू कॉमा फाइव मैंने इसको दे दिया। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे आगे कि जैसे ही ये 2.5 इसको देखता है, ये इस फंक्शन का एक नया इंस्टेंस बनाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय करता है, उसके बाद लाइन, ये लाइन नंबर 6 है ना, उसके बाद लाइन नंबर 7 में जाता है ये। जब तक लाइन नंबर 6 कंप्लीट नहीं होता, लाइन नंबर 7 पे नहीं जाएगा, क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है। तो लाइन नंबर 6 जैसे ही चला, इसने इस फंक्शन का एक नया इंस्टेंस बनाया और नया इंस्टेंस बना के उसको एग्जीक्यूट किया, उसको रिटर्न वैल्यू लेके उसको डिस्ट्रॉय किया, फिर लाइन नंबर 7 में गया। अगर मैं ये करूं कि इस फंक्शन की बॉडी के अंदर रहते हुए, यानी कि रिटर्न वैल्यू से पहले ही इसको क्या करूं, एक सम और कॉल कर दूं यहाँ और इसको भी कोई ना कोई वैल्यू दे दूं, 2.5 ही दे देता हूँ मिसाल के तौर पर, तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि लाइन नंबर 7 चला, लाइन नंबर 7 जैसे ही देखेगा वो इस फंक्शन का एक नया इंस्टेंस बनाएगा। अच्छा, इंस्टेंस कुछ भी नहीं है, इस कोड की एक कॉपी बनाएगा वो, कि चलाना है इसको, ओरिजिनल को नहीं छेड़ना है, एक कॉपी बना के चलाना है ना। तो एक नया इंस्टेंस इतने कोड का बनाया, उसको ये करेगा रन। अच्छा, उसको ये रन किया, इसने लाइन नंबर 1 में आया, अच्छा जी 2 ये वेरिएबल हो गया, लाइन नंबर 2 में आया, एक और फंक्शन कॉल है। अब ये जो इंस्टेंस बना था ना, जिसको ये एग्जीक्यूट कर रहा था, उसको ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है ना अभी। इस इंस्टेंस को अपनी जगह रखेगा और ये सम का नाम का जो फंक्शन है ना, इसको तलाश करेगा और इसका एक, इस इंस्टेंस को रहते हुए एक नया इंस्टेंस बनाएगा और उसको चलाने की कोशिश करेगा। जब उसको ये चलाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे सम की कॉल दोबारा है, फिर एक और इंस्टेंस बनाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इंस्टेंस बनते चले जा रहे हैं, ये कभी रुकेगा? ये कभी भी नहीं रुकेगा। तो एक सर्टन पॉइंट के बाद आके ना, क्योंकि ये इतने इंस्टेंस बन चुके होंगे, ये मतलब 8 और 8 16 16 बाइट के इतने इंस्टेंस बन जाएंगे कि 8 GB क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, 8 GB नहीं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पहले भी बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो वो पहले भी चीज़ें वायर्ड हैं, है ना, ये पहले भी चीज़ें ये वायर हुई भी हैं इसके अंदर।
तो वो जो भी बची हुई स्पेस है वो क्रॉस कर जाएगा, तो वो जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमारे पास एक एरर देखने को मिलेगा स्टैक ओवरफ्लो। अच्छा, कॉपी पाथ, सही है, ये आ गया। मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड, ये है वो स्टैक ओवरफ्लो का जो एरर होता है ना, ये वो है। ठीक है, एरर का मैसेज थोड़ा सा इसमें चेंज है जावास्क्रिप्ट में, तो कितनी दफ़ा चलाने के बाद इसने किया ये हमें पता नहीं चला ना। हाँ, मैंने कॉन्सोल जो नहीं लगाया था, कॉन्सोल, अब इसमें कॉन्सोल लगाने के लिए क्या जुगाड़ करना पड़ेगा हमें, एक कॉमा डाल के ना इंडेक्स भी डालता हूँ मैं, इंडेक्स ज़ीरो, इसको बढ़ाते जाएंगे, तीसरा इंडेक्स लगा दिया मैंने। तो मैंने बोला यार चलो एक काम करना, इसको कॉन्सोल डॉट लॉग करना पहले आप, ठीक है, लास्ट वाला जो है ना थर्ड इंडेक्स, ये लास्ट वाला इंडेक्स है मेरा जो मैं ज़ीरो दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जी काउंट को करके ना आप, चलो बस इंडेक्स वैसे ही बल्कि काउंट किया, इंडेक्स को जैसे यहाँ पे प्रिंट करा दो, दैट्स इट। और जब इसको अगली दफ़ा कॉल करो ना तो क्या करो, यहाँ पे इंडेक्स को एक इंक्रीमेंट करके कर दो, है ना। तो मैंने कहा कि जी इंडेक्स और प्लस वन दे दो अब अगली दफ़ा। हाँ भाई, समझ आ रहा है ये वाला क्या कर रहा हूँ मैं। देखो पहली दफ़ा ये कॉल लगी, इंडेक्स ज़ीरो था, इसका इंस्टेंस बना के चलाया इसने, तो जो भी इंडेक्स मिला था उसको मैंने कंसोल करा दिया, वो हो गया यहाँ तक। अच्छा, वो अब जैसे ही इस लाइन पे आएगा तो अब इस एक फंक्शन कॉल और है तो एक नया इंस्टेंस बनाएगा, बट इस दफ़ा इंस्टेंस इंडेक्स वन के साथ कॉल हुआ है तो वन प्रिंट होगा, फिर वो अगले टू के साथ, फिर थ्री के साथ, फिर फोर के साथ, तो जितने इंस्टेंस ये बनाता जाएगा ना वो मुझे प्रिंट भी करता जाएगा साथ साथ। मतलब मैंने एक ऐसा जुगाड़ लगा लिया कि जितने इंस्टेंस बनेंगे वो प्रिंट भी होंगे साथ साथ। तो अब देखते हैं कि वो असल में वो कितने बनाने के बाद जो है वो ब्रेक हो जाता है। सिक्सटी एट हंड्रेड इंस्टेंसेस बनाने के बाद वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। 6800 इंस्टेंस का क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लाई बाय 16 बाइट, तो तकरीबन 109,000 कितने बन रहे हैं, ये 109,000 बाइट तकरीबन इसने कैप्चर करने के बाद जो है ना ये ठंडा हो गया। 109,000 बाइट कितने बनते हैं, 1 लाख बाइट ऐसी होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 2 MB, हैं हमें सिर्फ बाइट चाहिए ना, बाइट कहाँ गया इसमें, किलोबाइट किलोबाइट, बाइट तो है ही नहीं इसमें। अच्छा बिट बिट चल रहा है, अच्छा बाइट ये रहा, बाइट ये रहा, तो मैंने इसको बोला 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख बाइट बनता है क्या, 0.1 मेगाबाइट, क्या हो रहा है ये। तकरीबन 100 KB का डेटा बनता है, 100 KB की मेमोरी बनती है। अच्छा, तो अब मेरा क्वेश्चन ये कि जी मेरे सिस्टम में क्या 100 KB की मेमोरी थी सिर्फ, तो इसने इसको 100 KB पे क्यों रोक दिया भाई, ये क्या बकवास है। तो अब यहाँ पे आती है एक तीसरी लेयर। देखो सबसे पहले क्या था, मेरे पास एक हार्डवेयर लेवल पे प्रोसेसर था जिस पे, अच्छा प्रोसेसर के पास ना कोई भी प्रोसेस डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, ये भी जहन में रखना है। बीच में एक लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, मिसाल के तौर पे किसी भी सॉफ्टवेयर को ना कुछ भी करवाना होता है, चाहे रैम से चाहे प्रोसेसर, वो प्रोसेस जो होता है, जैसे गूगल क्रोम इज़ अ प्रोसेस, VLC प्लेयर इज़ अ प्रोसेस, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलता है कि अच्छा जी ये करा दें आप, ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छा लगेगा तो वो कराएगा, वरना वो मना भी कर सकता है ना, वो मना भी कर सकता है। अच्छा, इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम से जब आप बात कर रहे होते हैं तो प्रोसेसर उसके पीछे होता है, प्रोसेसर डायरेक्ट कभी कोई सॉफ्टवेयर बात आमतौर पे नहीं करता है। अच्छा, इसी तरीके से जब ये जावास्क्रिप्ट चल रही होती है
तो जावास्क्रिप्ट ऑन द टॉप ऑफ गूगल क्रोम चल रही होती है ना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए अगर ब्राउज़र की एप्लीकेशन की बात हो रही है, जावास्क्रिप्ट जो चल रही होती है ब्राउज़र के ऊपर, उस जावास्क्रिप्ट से सिर्फ ब्राउज़र की चीज़ों को ही चेंज किया जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती आम तौर पे। तो अब ये जो मैं ज़ाहिर है जब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो वो फंक्शन का जो नया इंस्टेंस बनता है तो उसके लिए तो रैम चाहिए। अब रैम मिलती कैसे उसको? रैम ऐसे मिलती है कि जी ये बोलता है गूगल क्रोम से कि जी मुझे इतनी रैम चाहिए। गूगल क्रोम आगे मेमोरी से बोलता है और वो उसको रैम देता है। अब चक्कर क्या है कि मेरे सिस्टम के अंदर रैम तो थी अच्छी खासी, तकरीबन 2 GB के करीब रैम फ्री मौजूद है, लेकिन गूगल क्रोम भी मेमोरी मैनेजमेंट के मामलात को ख़ुद भी देखता है और ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखता ही देखता है। तो गूगल क्रोम इस चीज़ पे वो होता है कि जी कौन से प्रोग्राम को ना स्टैक साइज़ कितना देना है। तो समहाउ मेरे प्रोग्राम को जो गूगल क्रोम ने मेरा स्टैक फिक्स किया हुआ था ना कि जी इसको ना इससे ज़्यादा नहीं देना। जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना कोई, तो वो बोले कि भाई इसको गिलास में ना आधा गिलास पानी देना, उससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि वो आधा गिलास पीने के बाद फिर बाकी आधे से वो खेलेगा, इधर उधर गिराएगा, फेंकेगा किसी पर, सही ना। तो वो गूगल क्रोम समहाउ ये डिसाइड करता है कि जी इस प्रोग्राम को ना इतनी मेमोरी अगर मांगे ना तो दे दो, इससे ज़्यादा नहीं देना। अब ये एक अलग साइंस है, आप इसको पढ़िएगा कि जी स्टैक साइज़ क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, जो फंक्शन कॉल का जो 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 स्टैक होता है वो कैसे डेवलप होता है, ये आप W3 स्कूल पे जाके देखेंगे तो ये अच्छी खासी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है जावास्क्रिप्ट के केस में, जब मैं मेमोरी के लिए पुकारता हूँ कि जी मुझे मेमोरी चाहिए, तो सम टाइम गूगल क्रोम ही मुझे मना कर देता है कि नहीं जी हम और मांगेंगे नहीं आपके लिए। गूगल क्रोम के खुद के हाथ में नहीं है, उसने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, बट समटाइम गूगल क्रोम ही मना कर देता है, बोलता है भाई नहीं हम नहीं देते आपको और, ठीक है। अच्छा बहरहाल जावास्क्रिप्ट के अंदर ये स्टैक का साइज़ इज़ समथिंग, जो ये गूगल क्रोम की बात नहीं है, किसी भी ब्राउज़र पे आप होंगे तो ये स्टैक वाला साइज़ ये कहीं ना कहीं रहता है आपके, ठीक है। तो अब ये स्टैक का साइज़ क्या होता है ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, वरना वो एक और स्टोरी लंबी है। तो हमने क्या देखा कि जी जब फंक्शन चलता है, जब अच्छा ये फंडामेंटल प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ आपको मैं, ये फंक्शन चलने का जो सारा प्रोसेस है ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरह है कि जी जब भी आप फंक्शन कॉल करेंगे उसका एक नया इंस्टेंस बनेगा, वो फंक्शन का इंस्टेंस एग्जीक्यूट होगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा डिस्ट्रॉय होने का क्या मतलब है? डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन का इंस्टेंस चला था, जब इसको जो भी इनपुट में वैल्यू मिली थी, ज़ाहिर एक वेरिएबल था वो जो उस इंस्टेंस के अंदर लिव कर रहा है, वो उस इंस्टेंस का वो लोकल वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज़ मिली थी उसने ज़ाहिर रैम में जगह ली थी, सब कुछ हुआ था वो, और उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन के बाद जो भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ था, जो भी चीज़ उसका कॉन्टेक्स्ट जो था पूरा, वो मेमोरी से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया लेट ए इक्वल्स टू 5, तो ये वेरिएबल कब बनेगा? जब इसका इंस्टेंस एग्जीक्यूट होगा, जब बनेगा जैसे ही इंस्टेंस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी इसको डिलीट कर दिया जाएगा। अच्छा, और ना ही ये वेरिएबल आपको इस फंक्शन से बाहर कहीं पे मिलेगा, नहीं ले सकते आप बाहर। हाँ बाहर एक तरीके से कि रिटर्न वैल्यू से लें आप। हाँ रिटर्न के कीवर्ड पे ख़त्म होता है फंक्शन। अच्छा रिटर्न का कीवर्ड अगर नहीं लिखा हुआ हो, क्योंकि ये तो ऑप्शनल है, अगर रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखा हुआ तो आखिरी लाइन को समझ लेता है कि फंक्शन में अगर रिटर्न का कीवर्ड हम नहीं लगाते तो वो आखिरी लाइन के बाद ऑटोमेटिकली समझता है कि रिटर्न अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइन वो खुद से करता है रिटर्न, ठीक है, रिटर्न को हटा नहीं सकते आप। जावास्क्रिप्ट में हर स्टेटमेंट कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है, अगर कुछ नहीं करेगी तो अनडिफाइन करेगी, लेकिन रिटर्न लाजमी करेगी, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते कि जी कुछ भी ना रिटर्न करे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एग्जीक्यूशन समझ में आ गई फंक्शन की सब लोगों को, इसमें किसी का कोई सवाल है? अच्छा अब ज़रा हम प्राइवेसी की बात कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो नए वाले जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, पुराने वाले की बात नहीं हो रही, लेट करके जो भी वेरिएबल बनेगा ना फंक्शन की बॉडी के अंदर, वो फंक्शन की बॉडी से बाहर आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि दोस्त ने सवाल किया कि जी अगर उस वेरिएबल को मुझे फंक्शन की बॉडी से बाहर लेना हो अगर, तो रिटर्न वैल्यू की जगह पर उसको आप ऐड, क्योंकि रिटर्न वैल्यू पर अभी तो सिंगल नंबर किया है ना मैंने, एक एरे भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो एरे में 2, 3, 4, 5 जितनी वैल्यू डाल के आपने रिटर्न करानी आप करा लें, तो उस तरह से आप बाहर ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जी लेट करके ना ये अंदर बनाए ना, फंक्शन के बाहर बना लें, फंक्शन के बाहर बना लें इसको।
अच्छा फंक्शन के बाहर बनी हुई जो वैल्यूज़ हैं वो फंक्शन के अंदर आपको मिलती रहती हैं, लेकिन हाँ तो वेरिएबल जो दोस्त, हाँ मैं बता रहा हूँ, तो ये सिनेरियो वन आपका हो गया। दोस्त ने ये सवाल किया कि जी अगर फंक्शन के अंदर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है और उसमें वैल्यू मैंने रखी है एपीआई कॉल से लागे, तो वो वेरिएबल स्टिल प्राइवेट वेरिएबल रहेगा, उस फंक्शन का प्राइवेट वेरिएबल या उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, वो रहेगा। उस वेरिएबल को अगर आपने बाहर रिसीव करना है तो आप रिटर्न वैल्यू में समहाउ उसको फिट करके ना आप उसके साथ बाहर ले आए। अच्छा दूसरा जो सिचुएशन मैंने बताई है ना वो नॉट रिकमेंडेड भी है, सही है। दूसरी सिचुएशन मैंने ये बताई कि जी आप उस फंक्शन को अंदर वेरिएबल को अंदर ना बनाएं, बाहर बना लें। ग्लोबल वेरिएबल आपको पहली बात तो बनाना पड़ेगा उसको, वो विंडो डॉट करके आप बनता है ग्लोबल अब, है ना। तो नहीं भाई, तो विंडो के बगैर भी बनाएंगे ना तो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अंदर तो वो मिलेगा सब जगह। तो बहरहाल एक अगर आपने बाहर वेरिएबल बना लिया फंक्शन की बॉडी से बाहर एक वेरिएबल बना लिया, तो फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल आपको मिलेगा, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। क्यों नॉट रिकमेंडेड है, क्यों? पहली बात तो ये आपके फंक्शन को ये कर देगा इम्प्योर, ठीक है। इम्प्योरिटी से जितना बचना चाहें आप उतना बेहतर है, इम्प्योर कर देगा। अच्छा इम्प्योरिटी से वैसे तो बज़ाहिर को मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप सोचें कि अगर उस वैल्यू पे आप डिपेंड कर रहे हैं तो वो वैल्यू ना सिर्फ आपके फंक्शन को अवेलेबल है बल्कि दूसरे बहुत सारे फंक्शन हैं उन सबको अवेलेबल है वो, तो उन फंक्शन में से किसी और ने अगर उस वैल्यू को चेंज कर दिया, कर सकता है ना, तो आपके लिए गड़बड़ हो सकती है बाद में, ठीक है। तो बेहतर ये है कि ये वाला ग्लोबल वेरिएबल वाला चक्कर ना अख्तियार करें। जावास्क्रिप्ट के अंदर ग्लोबल वेरिएबल की आदत पड़ी हुई है, जो पुराने डेवलपर्स हैं उनको शुरू शुरू में ग्लोबल वेरिएबल ना बड़े फैसिनेटिंग लगते थे, अरे यार जी क्या बात है जी, एक ही दफ़ा बना दो और सब जगह चलते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज निकलते हैं फिर तो पता चल जाता है फिर। तो बेहतर ये है कि ये ग्लोबल वेरिएबल वाली अप्रोच जो है ना आप में से कोई भी ना करे। तो ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि आपके फंक्शन को अवेलेबल है तो बाकी फंक्शंस को भी अवेलेबल है, तो प्राइवेसी आपकी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अच्छा जी ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए फंक्शन के। अच्छा अब एक लास्ट बात जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये जो मैंने चीज़ की है ना यहाँ पे कि एक फंक्शन कॉल के अंदर एक दूसरा फंक्शन कॉल जो किया है, इसको हम कहते हैं रिकर्जन, ठीक है, या इसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन कॉल। रिकर्जन अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना तो आपको पिक्चर कुछ इस तरह की ये देता है, रिकर्जन की स्पेलिंग जो जी ये है, एक फ़ोटो बड़ी अच्छी आती थी यार इंटरनेट पे, एक लड़की खड़ी होती थी शीशे के आगे ऐसे यूँ बोतल लेके, और वो उसके लेबल पे भी वही फ़ोटो बनी होती थी कि लड़की खड़ी है ऐसे और उसके अंदर भी वही, उसके अंदर भी वही, ऐसे करके एक बड़ी अच्छी सी फ़ोटो आती थी ना। अबे क्यों नहीं आज मिल रही है इमेजेस भाई। क्या हो गया, सारी इमेजेस गायब हो गई हैं। ये आ गई ना अच्छी सी इमेज, अब चेक करो ये वाली इमेज कि एक बंदा है जी वो ड्राइंग बना रहा है। अच्छा वो जो ड्राइंग बना रहा है ना उस ड्राइंग में भी एक बंदा ड्राइंग बना रहा है और उस ड्राइंग में भी एक बंदा ड्राइंग बना रहा है, तो ये रिकर्सिव इसको हम कह सकते हैं ना, ये रिकर्जन या रिकर्सिव इमेज इसको आप कह सकते हैं। तो रिकर्जन जैसा कि आपको पता है बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है, मैंने जो एग्जांपल बताई थी मैंने कहा जी एक फंक्शन को इंस्टेंस बनाएगा, वो इंस्टेंस बना के फिर उसको रोकेगा, फिर एक और इंस्टेंस बना देगा, फिर उसको रोकेगा एक और इंस्टेंस बना देगा, तो आप लॉजिकली इसको ऐसे भी सोच सकते हैं रिकर्जन को ना।
ठीक है। वैसे तो ये प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव में इसने नहीं बताया, शायद ये किसी और परस्पेक्टिव में बताया, क्योंकि जाहिर है वो ये रिकर्जन जो ये अंग्रेज़ी का वर्ड है ना, अंग्रेज़ी में ये देखो ये भी रिकर्जन की एक एग्जांपल है, ठीक है, कि ये वो घड़ी पे घूमते ही जा रही है, अंदर एंड नहीं हो रही कहीं पे भी, ठीक है, ये भी रिकर्जन की एक एग्जांपल है। अब देखो ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये ऐसे अंदर तक घूमता ही चला जा रहा है, ठीक है, रिकर्जन की एक एग्जांपल और है। तो असल में रिकर्जन जो है या रिकर्सिव जो है वो अंग्रेज़ी का वर्ड है, तो ये ज़्यादातर एग्जांपल जो आ रही है ना ये अंग्रेज़ी के उस वर्ड की एक्सप्लेनेशन आ रही है। प्रोग्रामिंग में ये रिकर्जन इस वर्ड को बोरो किया है अंग्रेज़ी ज़ुबान से, है ना, तो वो प्रोग्रामिंग के अंदर रिकर्जन का एक स्पेसिफिक मतलब है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो क्या मतलब है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जी क्या रिकर्जन के ज़रिए या रिकर्सिव फंक्शन कॉल के ज़रिए मैं चाहूँ कि यार 10 दफ़ा चल जाए तो ये काम हो जाना चाहिए, हो जाएगा ये काम? रिकर्सिव फंक्शन कॉल क्या मैं कर सकता हूँ फॉर लूप के अल्टरनेटिव में? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। तो जी इसका रिकर्जन हम ज़रा ख़त्म कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये सारा जो था इसको हम ख़त्म करके ना, ये एक सिंपल फंक्शन दोबारा से बना दिया इसको मैंने जैसा ये पहले था। इसका मैंने नाम रखा है रिकर्सिव लूप, काइंड ऑफ REC लूप। अच्छा, इस फंक्शन को मैं दे देता हूँ जी कि ना 0 से शुरू होना है, कॉमा 5 तक जाना है मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो मैंने कहा कि स्टार्ट एंड, और अब इसको मैं कॉल कैसे करूँगा? मैंने कहा 0 से चलना है और 5 तक जाना है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर कोई ऐसी तरतीब लगानी है कि जब तक ये 5 तक नहीं हो जाता ना, जब तक मैं उसको रिकर्सिव कॉल लगाता रहूँगा। तो मैं क्या कहूँगा कि जी इफ़, सबसे पहले मैंने कहा इफ़ जो है ना स्टार्ट इक्वल्स इक्वल्स एंड अगर हो जाए तो, बल्कि इसको मैं क्या रखूँगा, मैं इसको इंडेक्स नाम दे देता हूँ, इंडेक्स नाम दे देता हूँ, ज़्यादा बेहतर नाम होगा ये, क्योंकि इसको मैं इंक्रीमेंट करूँगा ना, एक एक करके बढ़ाता जाऊँगा इसको मैं। तो ये इंडेक्स होगा, इंडेक्स मैंने 0 दे दिया कि जी अभी 0 है, 5 तक इसने जाना है। क्या लगवा सकते हैं? डबल इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं, बट रेकमेंडेड है कि 3 लगाएं। वो हमने डिस्कस किया था कंपैरिजन ऑपरेटर में कि डबल और ट्रिपल क्यों रेकमेंडेड है, ट्रिपल वो भी हमने डिस्कस किया था। तो मैंने कहा जी अगर तो ये एंड के इक्वल है तो आप क्या कर दो, आप ब्रेक कर दो इसको। ब्रेक से आपको पता है क्या होता है, सॉरी ब्रेक नहीं, रिटर्न। रिटर्न से क्या होता है, फंक्शन की जो कॉल होती है वो एंड हो जाती है, जहाँ पे भी फंक्शन होता है वहीं एंड हो जाता है वो। अच्छा, रिटर्न के आगे कोई ना कोई वैल्यू लगानी होती है मुझे, अगर मैं कोई वैल्यू ना लगाऊँ तो वो अनडिफाइन खुद से लगा लेता है। अच्छा, एल्स अगर तो इंडेक्स जो है वो इक्वल इक्वल नहीं हुआ एंड के, तो एल्स क्या करूँगा, मैं रिकर्जन लूप को एक दफ़ा और कॉल करूँगा, और अब की बार मैं कैसे कॉल करूँगा, इंडेक्स प्लस 1 कर दूँगा और एंड को जो है वो सेम रहने दूँगा मैं। तो ये अब जो घूमेगा ना, ये रिकर्जन की को जो कॉल घूमेगी, ये कितनी दफ़ा घूमेगी, ये 5 दफ़ा घूमेगी। अच्छा, अब इसकी बॉडी कहाँ बनाऊँ मैं, वही कुछ कोड भी तो लिखना है ना जो इतनी दफ़ा उस कोड को चलाए, वो भी तो मुझे लिखना है। तो वो मैं यहाँ पर शुरू में लिख देता हूँ। मैंने कहा जी कॉन्सोल डॉट लॉग और लूप बॉडी और कॉमा डाल के इसमें मैं इंडेक्स को प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो ये लूप बॉडी के साथ 0 से लेके 4 तक लिखा हुआ आ जाना चाहिए, होपफुली, देखते हैं कम या ज़्यादा। तो आ जाते हैं जी हम यहाँ पे और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। 0 से लेके 5 तक लिखा हुआ आ गया वो, क्योंकि वो इक्वल इक्वल्स मैंने लगाया हुआ है। हाँ, तो वो इंक्लूसिव था मेरा, क्या कहते हैं, 0 से लेके 5 तक इंक्लूसिव था ये। तो मैं इसको 0 से लेके 4 तक कर दूंगा तो 0 से लेके 4 तक हो जाएगा।
ठीक है, तो ये मैंने इसको 0 से 5 तक चला दिया। इसको अगर मैं 600 दफ़ा चलाऊँ तो 0 से लेके 600 दफ़ा चलाऊँ चल जाना चाहिए, देखते हैं चला के, चल गया 600 दफ़ा, सही है। तो अब जैसा कि जब फॉर लूप हम पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने आप लोगों से कहा था कि फॉर लूप इज़ अ कंस्ट्रक्ट, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने भी लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं वो तमाम के तमाम कंस्ट्रक्ट होते हैं। अंडर द हुड उसके ना ये रिकर्जन काम करती है, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आम तौर पे जब आप लूप चलाते हैं तो लूप इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं होती, वो एक कंस्ट्रक्ट होता है। अंडर द हुड उसके क्या चलता है, ये फंक्शन कॉल चलता है रिकर्सिवली, और इस तरह से वो किसी भी प्रोग्राम किसी भी कोड को मल्टीपल टाइम्स वो चला रहा होता है, वो इस तरह करके चला रहा होता है, ठीक है जी। तो आई होप कि ये रिकर्सिव कॉल आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये हो क्या रहा है। किसी का कोई सवाल है इस रिकर्सिव कॉल में तो वो पूछ सकता है। हाँ अच्छा, पहली बात तो ये, आपने ना जब आपको फॉर लूप चलाना होगा या लूपिंग स्टेटमेंट चलाना होगा तो आपने चलाना है फॉर लूप ही। ये मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया कि ये रिकर्सिव कॉल लग रहा होता है अंडर द हुड, लेकिन आपने ये काम नहीं करना। और स्टिल जैसा ये दोस्त ने पूछा, असल में सवाल ये है कि जी अगर मैं रिकर्सिव कॉल से लूप चलाऊँगा तो वो 6800 पे जाके वो ठंडा हो गया था, तो क्या वो हर दफ़ा 6800 पे ही होगा या कभी वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है? तो कम या ज़्यादा वो हो सकता है, ठीक है। अभी मैं उसको दोबारा चलाऊंगा तो वो कुछ डिफरेंट आएगा। मिसाल के तौर पे मैंने उसको ना कोई बहुत बड़ा फिगर दे दिया, तो जाहिर है इतने बड़े फिगर पे इसने चलना वलना है नहीं। अभी इसको देखते हैं ना 6800 पे जाता है, कहाँ जाता है ये। अभी आप देखें 7800 तक चला गया, सही है। तो ये जो मैक्सिमम कॉल स्टैक जो है ना, ये थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा ये होता रहेगा, ठीक है। नहीं, मैंने तो पहली बात तो मैंने ये बोली है आपसे कि जी आपने ये यूज़ ही नहीं करना, आपने ना ये यूज़ ही नहीं करना ये रिकर्सिव कॉल वाला, क्योंकि आम तौर पे फॉर लूप अंडर द हुड चल तो यही रहा होता है फॉर लूप में, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से चलाता है कि ये स्टैक वो एक इंस्टेंस को रोक के दूसरे को नहीं चलाता, वो समहाउ कुछ करता है अंदर जुगाड़। वो आप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं कि एक्चुअली फॉर लूप अंदर कैसे कर रहा होता है काम, ठीक है। वेल, ये जो मैक्सिमम कॉल स्टैक वाला जो टॉपिक है ना, ये MDN के ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है। मैं आपको MDN का वो लिंक बता देता हूँ, आप उसको जाके खुद से स्टडी कर लेंगे तो आपको ये रहा। यहाँ पे कहीं पर कॉल स्टैक का जिक्र तो नहीं किया हुआ इसने, होना चाहिए भाई दबे। हाँ अच्छा, ये कॉल स्टैक इन्होंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, मैंने गूगल पे अलग से लिखा है कॉल स्टैक तभी आया है, वैसे वो आ नहीं रहा था। तो अच्छा, कॉल स्टैक भी इन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया हुआ, थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इतना भी पढ़ लोगे तो आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चक्कर है।
वेल तो आई होप कि आज की क्लास जी क्लोजर, मैं वही अभी सोच रहा था रिकर्जन में आप लोगों के चेहरे ऐसे हो गए, या क्लोजर पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए। अच्छा तुम्हें क्लोजर का नाम पता है तो तुम्हें इसका मतलब है ये भी पता है कि क्लोजर होता है क्या। जल्दी जल्दी से खड़े होके बताओ सब लोगों को कि क्लोजर क्या होता है। हाँ ऐसी है अबे भाई, दो जुमलों में बता दो, कोई ऐसी बात नहीं है, खड़े दो। अच्छा आप में से किसी और को पता है क्लोजर क्या होता है? अच्छा नहीं, अभी फिलहाल के लिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अच्छा क्लोजर, वैसे हमारी बुक में क्लोजर का कोई जिक्र नहीं है, क्लोजर हमारे क्लास का टॉपिक नहीं है, लेकिन उन्होंने बात कह दी है तो दो जुमलों में बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अब अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी आज के लिए काफ़ी हो गया, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर भाई अगली क्लास में, बाय।